असल नाज़रीन ऐं मां खे भलीकार चऊं था। मकानी चूंडनि जो जेको ॿियो मरहलो आहे उन हवाले सां ख़ुसूसी ट्रांसमिशन असांजी हलंदड़ आहे ऐं अव्हां खे तजज़ियनि जो ऐं बर वक़्तु जेका बि सूरत हाल जिथे बि थिए पियो उन हवाले सां अव्हां खे अपडेट कयूं पिया। अव्हां खे ॿीहर वाज़े कंदा हलूं, अव्हां सभिनी खे सुध बि हूंदी त अॼु कराची ऐं हैदराबाद जे जेको हीउ मकानी चूंडनि जो ॿियो मरहलो आहे, रहियल मरहलो नाज़रीन जेको अॼु थिए पियो, ऐं उनखां सवाइ अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कराची जा 7 ज़िला आहिनि ऐं हैदराबाद डिवीज़न जा 9 ज़िला आहिनि जंहिंमें अॼु मकानी चूंडनि जो मेलो सजायो वियो। समूरो ॾींहुं नाज़रीन वोट कास्ट कया विया आहिनि, जेतोणीकि ॼाणायो पियो वञे त जेको टर्नआउट आहे मजमूई उहो घटि ॿुधायो पियो वञे, पर असीं ॾिठो आहे त जेका समूरी सूरत हाल रही आहे, चई सघिजे थो तमामु जेको को वॾो वाक़ियो, को अहिड़ो अणवणंदड़ वाक़ियो किथे बि रिपोर्ट न थियो आहे। मजमूई सूरत हाल पुरमन रही आहे, बहितर रही आहे ऐं ख़ैर ख़ैरियत सां ई जेको ॿियो मरहलो आहे जेको केतिरा ई भेरा डिले थियो, केतिरा ई भेरा उन ते एतिराज़ बि साम्हूं आया ऐं काल राति ताईं बि देरि ताईं असां ॾिठोसीं त उन मामले ते एतिराज़ बि साम्हूं आया, पर उनखां बावजूदि हीउ मरहलो थी चुको आहे हाणे ऐं कुझु देरि खां पोइ ऑफिशियली जेको वक़्तु मुक़ररु कयो वियो आहे 6 वॻे धारे जेके रिज़ल्ट्स आहिनि, ज़ाहिर आहे उन्हनि जी ॻणप वारो सिलसिलो बि हाणे शुरू थी चुको आहे, पर ऑफिशियली जेका अनाउंसमेंट थींदी उहा 6 वॻे खां थींदी, त उन हवाले सां असीं तव्हांखे अपडेट बि कंदासीं। जेका समूरे ॾींहं जी सूरत हाल रही आहे हिन असां सेगमेंट में पर्टिकुलरली उनखे डिस्कस करे वठंदासीं त छा छा रहियो, छा एक्सपेक्टेशन्स हुयूं, उहे बि पार्टीज़ जूं ज़रूरु कोशिशि कंदासीं त मुख़्तलिफ़ जेके पार्टीज़ हूं तमामु घणियूं पुरउमीद बि नज़र आयूं, कुझु शिकायतूं कंदे बि नज़र आयूं। अव्हांखे इहा बि सुध हूंदी त MQM पारां बायकॉट कयो वियो आहे हिन समूरे सिलसिले जो, ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन जेके बाक़ी मुक़ाबले ते पार्टीज़ नज़र आयूं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, जमायत इस्लामी समेत ॿियूं पार्टीज़ तमामु घणियूं मुतहरिक बि नज़र आहियूं। मूंसां गॾु हिन सेगमेंट में ज़मीर हुसैन साहिबु नाले वारा कानूनी माहिर आहिनि, असां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। हुन खां सवाइ असीं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेका असांजी टीम आहे, 7 जा साथी जिन समूरो ॾींहुं रिपोर्ट कयो आहे, हिन मामलनि खे ॾिठो आहे ऐं अव्हांखे बर वक़्तु अपडेट कयो आहे, उन्हनि खे बि ज़रूरु लाइन ते वठंदासीं जीअं असीं उन्हनि खां बि अपडेट्स वठंदा रहूं। ज़मीर साहिबु अव्हांखे भलीकार चवां थी हिन सेगमेंट में, ऐं ज़ाहिर आहे समूरो ॾींहुं अव्हां सूरत हाल ॾिठी आहे, उनखां अॻु जेकॾहिं असीं रिवाइंड कयूं त उहा समूरी शयूं बि असांजे साम्हूं आहिनि त छा थियो छा न थियो। बहरहाल अॼु असीं ॾिसूं था त 5 थी चुका आहिनि ऐं हीउ सिलसिलो ख़तमु थी चुको आहे, चूंड थी चुकी आहे ऐं ॻणप जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। ज़मीर साहिबु गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कंदासीं, जारी रखंदासीं। अब्दुल्ला सोलंगी साहिबु असां गॾु मौजूदु आहिनि, कराची मां रिपोर्ट कंदा आहिनि, KT न्यूज़ असांजे रिपोर्टर आहिनि। अब्दुल्ला साहिबु, छा सूरत हाल समूरो ॾींहुं अव्हां ॾिठी आहे, मजमूई टर्नआउट बि असांखे ॿुधाइजो ऐं हिन वक़्तु जॾहिं इलेक्शन कमीशन जेका PTI जी टाइम वधाइण वारी दरख़्वास्त थी उहा रद्द करे चुकी आहे, त हिन वक़्तु छा सूरत हाल साम्हूं अची वई? बिल्कुलु नाज़िया, हमेशह ईअं थियो आहे त जॾहिं बि वोटिंग अमल शुरू थियो आहे उहो तमामु कराची अंदरि त देरि सां थींदो आहे, जंहिंखां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके उमेदवार आहिनि पार्टियुनि उन्हनि पारां इहा कई वेंदी आहे। जेकॾहिं बाय इलेक्शन तव्हां ॾिसो त उनमें बि इहा दरख़्वास्त कई वेंदी आहे त इलेक्शन कमीशन पंहिंजो वक़्तु वधाए, छाकाणि त कराची जो माहौल ॿियो आचर जो ॾियारो हुजण करे जेके आम शहरी आहिनि उहे तकिड़ो न उथनि था पिया। ॿिए पासे हिन दफ़ा तमामु घणी सर्दी हुजण जे सबबु केतिरा ई जेके माण्हू रहिजी विया आहिनि, हिन में को शक न आहे त हिन वक़्तु बि असीं जिते मौजूदु आहियूं सेंट्रल ज़िले लियाकताबाद जे UC शरीफ़ाबाद में, उते एतिरा ई माण्हू मौजूदु आहिनि जेके वक़्तु पूरो थियण सबबु हू वोट पंहिंजो कास्ट न करे सघिया आहिनि। जंहिंजी इहा शिकायत आहे त असीं हींअर पहुतासीं, उनखां पोइ असांखे थोरो रन बाई न मिली सघी, जंहिं करे असांखे देरि थी वई आहे, पर असां पंहिंजे नुमाइंदनि खे चूंडण लाइ असां वोट करणु आयासीं, पर उहे अफ़सोस सां त उहे वोट कास्ट न करे सघिया त टाइम पूरो थी वियो आहे। हमेशह ईअं थींदो आहे जो जॾहिं बि सुबुह जो 8 बजे खां वठी बिना कंहिं वक़्ते सां 5 बजे ताईं जेको पोलिंग जो अमल हूंदो आहे उहो जारी हूंदो आहे ऐं उहा ख़बर बि आहे उन्हनि शहरनि खे, पर उनजे बावजूदि वोटर जेके आहिनि कराची अंदरि ख़ासितौर ते 1 बजे खां पोइ वोट कास्ट करण लाइ घरां निकिरनि था पिया, जेके पोइ रश हुजण जे करे काफ़ी रहिजी वञनि था पिया। ओवरऑल टर्नआउट जी जेकी तव्हां ॻाल्हि कई त टर्नआउट ओवरऑल जेको आहे सो 15% खां 10% खां मथे न आहे रहियो, पर ऑफिशियल तौर ते अञा ताईं उन्हनि जी काउंटिंग जारी थियण खां पोइ ख़बर पई सघंदी थी त ओवरऑल टर्नआउट कराची में केतिरो रहियो आहे। कराची जे सेंट्रल ज़िलो जेको तकबंदनि जे हिसाब सां तमामु वॾो ऐं तमामु टॉप ते ज़िलो आहे, जंहिंमें 20 लख खां मथे जेको वोटर आहे उहो हिते रहे थो पियो, पर उन्हनि में तव्हां मूंखे जेके सेंट्रल ज़िले जे 5 ई टाउननि में मां जेको विज़िट कयो आहे उनमें मूंखे सिर्फ़ 3 टाउन अहिड़ा नज़र आया जंहिंमें जेको आहे सो रश ऐं उन सां गॾु गेमा गेमी नज़र आई, बाक़ी त ओवरऑल त जेके सेंट्रल ज़िले जा 2 टाउन न्यू कराची ऐं जेको नाज़माबाद वारो इलाइक़ो हुयो उनमें तमामु घटि वोटर जी नज़र आया ऐं उन टर्नआउट तमामु घटि नज़र आयो। उन खां अलावा जेके पुलिस जी जेकी कारकर्दगी
उहा बहितर रही आहे। हुन सां गॾु रेंजर्स पारां पहिरियों जेको आहे सो हुन बच खे पियो वञे। टर्न आउट नाथ नाज़माबाद वारे जेके टाउन में ख़ासि तौर ते प्याला होटल जे भरिसां के बी आर ख़वासी ब्रोई जेको ॻोठ आहे उते हिकिड़ी तमामु ज़बरदस्त मूंखे नज़र आई। त उते जेके पीपल्स पार्टी जी पार्टी पारां जेके कारकुन हुया उहे तमामु गहमा गहमी ऐं जेको सरगर्म ऐं पुरजोश नज़र अचनि पिया। हुन सां गॾु सेंट्रल ज़िले जी जेकॾहिं ॻाल्हि मां कयां त ओवरऑल जेके हिते जमायत इस्लामी ऐं हुन सां गॾु तहरीक लबैक पाकिस्तान पिणु जेको आहे तमामु वॾी अक्सरियत ते नज़र आई आहे। कराची जे अंदरि जेके जेके टाउननि में ख़ासि तौर ते इलेक्शन थी रही आहे उहो वार्डनि ते उन्हनि जे जेको वोटर आहिनि उहे तमामु पंहिंजे पुरजोश नज़र आया। पर किथे किथे त बिल्कुलु वोटर नज़र न आया। ओवरऑल जेकॾहिं मां तव्हांखे कराची जी सूरत हाल ॿुधायां त अमन अमान जे हवाले सां बिल्कुलु बहितर रही आहे। जिते 43,000 खां वधीक पुलिस जा अहलकार हुया, जंहिंमें सिर्फ़ु पुलिस न पर एक्साइज खातो, सिंध गवर्नमेंट जो एंटी करप्शन खातो ऐं ॿिया खाता पिणु जेको मौजूदु हुया, जिन तमामु बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारींदे। ठीकु अब्दुल्ला, तव्हांजी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ। नाज़रीन, 10 खां 15% जे विच में मजमूई टर्न आउट ॿुधायो पियो वञे, जेतोणीकि अञा ताईं ऑफिशियली उनखे ज़ाहिर न कयो वियो आहे। हुन सां गॾोगॾु वहीद बि असांखे अब्दुल्ला जी असांखे अपडेट कयो त जेका समूरी सूरत हाल रही आहे हुन मां जे हवाले सां बहितर इंतज़ाम कया विया हुआ ऐं सूरत हाल बि बहितर रही आहे। हिन वक़्तु असां सां वहीद मुराद सियाल साहिबु आहिनि, ही मलीर जा असांजा के टी न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि, उहे पिणु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। उतां जी सूरत हाल मालूम कयूं था, मलीर में छा सूरत हाल रही, वहीद असांखे अपडेट कजो ऐं केतिरो टर्न आउट इते ॾिठो वियो। जी नाजिया, बिल्कुलु हिते डिस्ट्रिक्ट मलीर में टे टाउन आहिनि, इब्राहिम हैदरी, गडास, मलीर टाउन। हिननि टिनि टाउननि में टर्न आउट बिल्कुलु जेको आहे सो घटि रहियो आहे। अॻु जी भेट में वोटरनि जी दिलचस्पी घटि रही आहे। मलीर जे टाउननि में 3 यूनियन कमेटियूं आहिनि जिते 7,42,000 वोटर आहिनि ऐं 1,042 जेको आहे उमेदवार आहे जिन जे विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। हिते टर्न आउट मुकमिल तौर ते जेको आहे सो अॻु जी भेट में तमामु घणो घटि रहियो आहे। तव्हांखे असां ॿुधाईंदा हलूं त हिते इलेक्शन कमीशन पारां जेके सिक्योरिटी जे हवाले सां जेके उपाउ वरिता विया हुआ उनमें रेंजर ऐं पुलिस वक़्तनि ब वक़्तु गश्त पिए कया। मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो हसास ॾिनल जेके इंतिहाई हसास ॾिनल पोलिंग स्टेशन 119 उन्हनि में जेको आहे सो कैमराऊं पिणु लॻायूं वयूं ऐं हुते जेको आहे सो सिक्योरिटी तमामु इंतिहाई जेको आहे सो सख़्तु हुई। उनजे बावजूदु मलीर टाउन जो यूसी गाज़ी दाऊद बुरोई आहे, उते आसू गोठ जी हिकिड़ी पोलिंग स्टेशन आहे जंहिं ते सुबुह सवेर खां वठी जेको आहे सॼो ॾींहुं हिन वक़्तु 5 वॻे ताईं पोलिंग जे बंदि थियण ते कशीदगी रही। सॼो ॾींहुं जेको आहे सो हितां चूंडियल MPA ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सियासी अॻवान आहे उन्हनि जे अचण सबबि जेको आहे तमामु हिते जहिड़ो रहियो आहे। SSP मलीर अफ़ान बहादुर समेत रेंजर जेको आहे हिते पहुची मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे हिते उन्हनि जेको आहे जहिड़ो टारियो। ईअं ई जेको आहे यूसी चश्मा, पिपरी, मेमन गोठ समेत जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि उते कशीदगी वारी सूरत हाल अची वई। तव्हांखे असांखे ॿुधाईंदा टर्न आउट बिल्कुलु न हुजण जे बराबरि आहे। जेको ख़ासि तौर ते ॿहराड़ी वारा जेके इलाइक़ा हुआ, ख़ासि गडाप, वाणकंड, मोइदान, खार ऐं कंड जंग वारा जेके इलाइक़ा हुआ, इब्राहिम हैदरी, रेड़ी गोठ समेत जेके गुलशनदीद, गगर फाटक खां वेंदे शालतीफ टाउन, मलीर जा जेके ही दर्शाण शनो वारा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में तमामु घटि टर्न आउट रहियो आहे। मलीर सां गॾु जेको ज़िलो ओभर आहे, सचल गोठ सां गॾु भिटैयाबाद आहे, भिटाबाद सां गॾु जेके नादरम बाईपास गुलशन मेमार वारा जेके फ़क़ीरा गोठ, धणीबश गोठ, खादम सोलंगी गोठ ऐं हब डैम ते जेके नादरम बाईपास जा गोठ ऐं पोलिंग स्टेशन जिते आहिनि उहे तमामु घटि टर्न आउट रहियो आहे। ख़ासि तौर जेको सब्ज़ी मंडी जे भरिसां धणीबश ऐं सोरापो टाउन हो उते जेको आहे 10:30 खां वठी पोइ जेको आहे पोलिंग जो अमल जारी रहियो। काफ़ी सारनि माण्हुनि ते पोलिंग ते एहतजाज बि कयो। मलीर जे अंदरि जेका कशीदगी जेका हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे, जेका आसू ॻोठ आहे तव्हांखे असां ॿुधाईंदा हलूं केतिरा ई भेरा जेको हिते एहतजाज खां पोइ जेको आहे सो हिते ठीकु वहीद, वॾी महिरबानी मुंहिंजी अपडेट कयो, समूरी सूरत हाल ॿुधाई त हिते कुझु हंधनि ते छिकताण ॾिठी वई, उहा बि रिपोर्ट थी ऐं गॾोगॾु वहीद असांखे अपडेट कयो त हिते बि को घणो फ़र्क़ु न हो। जेको टर्न आउट हो उहो तमामु घटि नज़र आयो, माज़ी जी भेट में बि ॼाणाइनि पिया त अॻु खां भेट में हिन भेरे टर्न आउट तमामु घटि नज़र आयो। असीं उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, ज़मीर साहब बि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, पर उन खां अॻु असीं चाहियूं पिया तव्हांखे थोरो जेका सिचुएशन रही आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ऐं असांजी टीम उनखे कीअं ॾिठो आहे जेके रिपोर्टिंग लाइ उते मौजूदु हुआ उन्हनि खां थोरो अहिवालु वठूं ऐं उन खां पोइ असीं गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कंदासीं। मूंसां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि इमाम अली भलाई, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि हैदराबाद मां KTN न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि। इमाम भलाई, छा सूरत हाल रही समूरो ॾींहुं हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स ते ऐं टर्न आउट जे हवाले सां असांखे अपडेट कयो।
जी नाजिया, सुबह 8 बजे पोलिंग जो अमल जो शुरू थे तें 1 बजे तीन जी गुजल इलेक्शन जो मकानी चूंड हुई उन्होंने जो टर्न आउट दिसण वा वो 1 बजे तीन वो जो इलेक्शन जो अमलो हो वो बाकी रही रो जे मौजूद जो तैलीम खाते अमलो हो जो पुलिस अहलकार वो बाकी रिंदा रहा पर 1 बजे का आहिस्ते आहिस्ते हैदराबाद जहाँ केतर इलाक में जो मानू पी जो पोलिंग से अचान शुरू थे पर जो टर्न आउट दिसण वा हो जी गुजरल भेरे जो हो वक्त हैदराबाद में दिसण को आयो केतरी पोलिंग स्टेशन से जी 4000 जो टर्न वोट जो हो उते 100 वोट कास्ट है किथे 200 वोट कास्ट है किथे 300 वोट कास्ट है पर जो टर्न आउट दिसण वा हो जे उम्मीदवार की जो हमामी हुई जे वोटर की हमामी हुई उहा है तमाम घट नजर आई जन हैदराबाद की सजी सूरतहाल अवान बुधाएं त लतीफाबाद कासमाबाद हैदराबाद जहाँ केतरा ही जो इलाका उन्होंने टोटल जो पोलिंग हुई 723 कायम कई हुई जन पोलिंग स्टेशन से वोटर जो टर्न आउट मजमूई तौर घट रो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ जो खोट की जो शिकायतों सामू आयु इलेक्शन में पीपी पीटीआई जमायत इस्लामी तहरीक लबेक समेत कॉम्प्रेस पार्टी जहाँ जो उम्मीदवार थोड़े आजाद उम्मीदवार हैदराबाद में हिस्सों वो उनको टोटल तैदाद 2251 है जन सिक्योरिटी जहाँ इंतजाम मुकम्मल क्या वह हुआ 6000 जे अहलकार मुकर क्या हुआ टोटल वोटर जो तैदाद हैदराबाद जिले अंदर 10,53,121 हो जैमें 732 में 513 जो पोलिंग स्टेशन के हिसास करार दिनों वो इंतहाई हिसास जो हुई 219 हुई उन अलावा जो इलेक्शन दौरान को भी जो हैदराबाद में अणवंदड़ जो वाको हो जी गुजर इलेक्शन में जो हमारी अपडेट कर इमाम भलाई हाँ हारून गोपांग बदीन में केटीएन न्यूज सीनियर रिपोर्टर उन अपडेट्स वो हारून लाइन से मौजूद आयो हारून सूरत हाल लिठी समूरो पोलिंग स्टेशन अंदर बाहर सूरत हाल रही टर्न आउट केतरो रो जी बदीन जिले में मकानी चूंडन जो बो आखिरी मरहलो इख्ताम से पे तो जैमें बदीन जिले की 68 यूनियन काउंसिल यूनियन म्युनिसिपल कमेटी नौ टाउन कमेटियन से जो है टोटल 1955 उम्मीदवार हिस्सों वरत ओवरऑल जो सूरत रही जिले बदीन की जैमें मातली तलार गोलाची टनोबागो कडण पंगरियो शहर समेत जो सूरत अमन अमान वाली रही सवाए बिन पोलिंग स्टेशन से कुछ मामूली जड़ा थे जैसे पुलिस जो है कंट्रोल कर वरतो उतना जो है नामालूम 4 मानू जो पुण गिरफ्तार किया वह जैसे तो ओवरऑल जिले की जो सूरत हाल है वह बेहतर रही अमन अमान के हवा से जैसे तो वोटर जो जो रेशो रो वो तमाम घट रो है 30-40 के विच में जो है वो रेशो रो है कुछ पोलिंग से 30 जो रेशो रो है जिसे उम्मीदवार थोड़ा तकड़ा हुआ पीपल्स पार्टी या जीटीए या नून लीग पीटीआई या उते कुछ मानों जो वोटन जो तादाद असांगे वधीक नजर आयो बाकी जो ओवरऑल जो पोलिंग अंदर मानों जो है दिलचस्पी घट ॾेखारी शहर जो है वो खुलियल रहा शहर में जो है मानों पंहिंजे कारोबार में ही रहंदा रहा पोलिंग स्टेशन से जो है तमाम घट मर्द नहीं औरतन जो वोटन जो अंग असांगे नजर आयो वो घट नजर आयो बाकी जो है ओवरऑल सूरत अमन अमान के हवा से वह बदीन जिले में बेहतर रही किथे अड़ो वो वाक्य पेश न आयो टिन पोलिंग स्टेशन से होली जड़ा नजर आया अपडेट करजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तालुक है सीनियर अगवान इन वक्त मौजूद है नजमी साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम नजमी आलम साहब क्या कहेंगे आज सारा दिन खदशात और कुछ शिकायत भी सामने आए आपके मुखालिफ पार्टीज की ओवरऑल जो सारा दिन गुजरा कैसे देखते हैं आप क्या कहेंगे देखिए इलेक्शन होता है थोड़ी बहुत वर्करों में इसमें गर्मा गर्मी होती है लेकिन ओवरऑल ये बहुत पुरमन इलेक्शन था सिंध गवर्नमेंट को मैं तहसीन पेश करूंगा आपने कहीं नहीं सुना कि गोलियां चली हैं कहीं नहीं सुना कि आग लगाई गई है कोई कैजुअल्टी नहीं है तो इसके इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि एक पुरमन इलेक्शन हुए सही नजमी आलम साहब लेकिन ये सारा दिन हमने जरूर सुना कि वोटर्स नहीं निकले वोटर्स की दिलचस्पी रही गो के बलदयाती और जमीनी जी वोटों का टर्न आउट कम रहा है इसकी एक वजह एमक्यूएम का बायकॉट भी था ठीक जैसे उनका वोट कर दी फिर मैंने एक बात नोट की
पूरे सदर टाउन में घूमता रहा कि पीटीआई का वर्कर नहीं निकला, वोटर नहीं निकला, पीटीआई का भी वोटर नहीं निकला, या कराची वालों ने अब उनको उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। ठीक, और नजमी साहब ये आप रिजल्ट से पहले कह रहे हैं कि पीटीआई का वर्कर आपको नजर नहीं आया ग्राउंड पर, मुझे ये भी बताइएगा क्लिफ्टन कितनी स्ट्रांग होल्ड है पीटीआई का। ठीक है ना जी, बिल्कुल नजर नहीं आया मुझे पीटीआई वाले क्लिफ्टन। ठीक, तो नजमी आलम साहब रिजल्ट्स पर क्या असर देखते हैं? आपने कहा कि एमक्यूएम के बायकॉट का टर्नआउट पर वाजे नजर आया, बिल्कुल वाजे नजर आया, का वर्कर नहीं निकला। एमक्यूएम को आप बिल्कुल इसके वो नहीं स्क्रैप नहीं कर सकते, उनके बायकॉट का असर हुआ है, लेकिन हम बहुत पूर्व उम्मीद है अगले दो घंटे बाद या तीन घंटे बाद हम कराची की लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो मेयरशिप के वाले से भी बताइएगा और साथ साथ कौन कौन से तारी आप अपने साथ देख रहे हैं जी? मेयरशिप के वाले से कितने पुरुमीद हैं? आपने कहा कि आइंदा जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेयर जियाला होगा तो उसको हम इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की कही हुई बात को हम पूरा करके दिखाएंगे। कौन तारी होगा आपका उसमें? देखिए पॉलिटिक्स है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, जाति झगड़े हम वो पीटीआई वाली सियासत नहीं करते कि हाथ नहीं मिलाएंगे बैठेंगे नहीं, नफरत की सियासत नहीं करते। जमात इस्लामी भी है, तहरीक लब्बैक भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और जेयूआई है, जो भी है हम सबके साथ बैठ के हम तो बात करने को तैयार हूँ। अब अगर कोई इमरान खान की तरह कि मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा तो फिर तो भाई कोई क्या कर सकता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। नजर नजमी आलम साहब के वहाँ बुद्ध जो दावा कन पाया आइंदा जो इंदर ब कलाक हूँ उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी थी कर सामू इंदी और जियालन के मेयरशिप के वी कर तमाम घना पुरुमीद है वो जानन पाया शायद उनके जरूरत ही न पे कें गड खड़ने की जो मैजिकल नंबर जो 124 जो है वो शायद पानी हासिल कर वन। मुसा गुड स्टूडियो में जमीर साहब मुसा गुड स्टूडियो में सारी सत जहा सीनियर साथी हैं ब्यूरो चीफ हैं कराची जहाँ वही राजपुर साहब उप मौजूद हैं वही साहब अवे भी भलीकार चवं थी इन सेगमेंट में जमीर साहब भी मुसा गुड मौजूद हैं। जमीर साहब अवट अचान थी असं बार बार यह गाल बुधी से जाहिर पार्टीज जानन प्यूँ तो असं ठो है तो जनरल इलेक्शन का जी भेट में नंढी चूंड हो या लोकल मकानी चूंड हो उनमें टर्नआउट ऊँ भी घट रहे तो अरे मोकल जो दिहाड़ो भी हो पर इन सा गडो गड कुछ यह भी राय सामू अचे पी तो जाहिर पार्टीज उन तरीके से बार बार डिले थियन वरी जो सूरत अस है पार्टीज शायद ओतरो असर न विझी सकून या शायद एतरी असराती कैंपेन्स न कर सकून अवां के छापो लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब का पैरों अवां जो मशकूर है। अर्ज यो है तो हि जी इलेक्शन इहा वाजे जो सो कें शेड्यूल के तहत न थी ए हर कें हर पार्टी के यो लगे पो तो थी या नी आखिरी मूमेंट तई एमक्यूएम ए बाकी जो सिंध गवर्नमेंट हुई वहाँ भी इलेक्शन कमीशन से रुजू में हुई तो हि कें तरीके से पोस्टपोन थे उन हिसाब से जी बी पार्टी भी हुई उनो भी इो ही मौकफ हो तो सिंध गवर्नमेंट ए कराची की जी नुमाइंदगी कदड़ रही आ पार्टी या क्लेमेंट आ एमक्यूएम उ भी जैसे इलेक्शन कमीशन से रुजू में आए तो शायद पार्टी जो सो ही इलेक्शन जी वो पोस्टपोन थी पर ये न थो एंड टाइम से जो सो सिंध गवर्नमेंट की जी रेफरेंस हुई या एप्लीकेशन हुई वह भी रद्द थी वही जो एमक्यूएम जो मौकफ हुए वो भी इलेक्शन कमीशन कबूल न किया सो इलेक्शन थी। हाँ शॉर्ट जमीन साहब ऑर्डिनेंस वो होड़ो ऑप्शन मौजूद हो यहाँ भी गाल जितने पीपल्स पार्टी फुल रजामंदी जाहिर न कई पर ये इन गाल ते गौर हो तो असी गौर करे सकूं था जे करे ही इलेक्शन कमीशन वटा रद्द हिकड़ो यो अर्ज आ तो यो सियासी फैसलो हुयो सही या सियासी एजेंडा हुई कानूनी तौर ते मुंजो जो को ख्याल आ गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन ते जो को असर लागू न थो थी सके जेकॾहिं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हुजे हाँ त पोइ उहो इलेक्शन कमीशन ते असरअंदाज थिए बि हा ऐं उहो इलेक्शन कमीशन मञे बि सघे थी पर गवर्नर जो जेको आहे सो प्रोविंशियल जेको आहे उहो जेको आहे सो लागू न पियो थी सघे। ज़मीर साहब गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कंदासीं मूंसां गॾु अरसलान तार साहिबु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। अरसलान साहिबु अस्सलाम वालेकुम। अरसलान तार साहिबु अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है? जी जी आ रही आवाज। अरसलान साहब क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से इलेक्शन के हवाले से? देखिए इलेक्शन का दिन सुबह से बल्कि कल से आप देखें तो एक तरह का ऐसा इलेक्शन कमीशन की नाअहली और इस तरह की बद इंतजामी मैंने शायद कमी देखी, मैंने तो नहीं देखी। आखिरी वक्त तक जो है
इनके पास अबला नहीं था। एक पोलिंग स्टेशन गुलशन इकबाल में हशमत पब्लिक स्कूल, वहां पर पहला वोट दोपहर के 1 बजे पड़ा है, क्योंकि वहां अबला नहीं था और वहां पर उनके पास मटेरियल भी नहीं था। तो पूरा दिन हम इसी तरह लगे रहे। हमें इलेक्शन कमीशन वाले कहते थे कि जी हमारे पास अमला नहीं है, आपके अगर जानने पहचानने वाले अगर कोई सरकारी लोग हैं तो हमें बताएं। ये तो हाल था इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन की आज भरपूर किस्म की नाहेली सामने आई है। पूरा दिन सिंध हुकूमत की टीवी पे एड चलते रहे। जब हमने लेटर लिख के भेजा पीटीआई ने ऑफिशियली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जाग आई, वरना तो वो टीवी देख ही नहीं रहे थे। वो इलेक्शन कमीशन को जाग आई, फिर उन्होंने उनको शो कर दिया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। तो इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह बेनकाब हो गया है। और हम जहाँ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक नाइल तरीन इदारा है, वो वाजे हो चुका है। तो अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी अरसान साहब, और साथ साथ नतायज के हवाले से भी बताएं। आपने कहा कि शिकायत भी थी वक्त बढ़ाने की, आपकी जो सदा थी वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द हो गई, तो टाइम भी वही रहा। अब आगे की क्या हिकमत अमली? देखें, मैं एक बात बताता चलूं, आपके टीवी स्क्रीन पे भी आता रहा, आपके रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद थे जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कल से लेके आज तक। पर कल रात भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैं मीडिया वर्कर्स को भी मैं समझता हूँ कि हमें सहाना चाहिए। एक मुझे पता चला है कि किसी मीडिया वर्कर को पीपल्स पार्टी वालों ने जदोकोप किया, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। और ये देखें कि पहला वोट काउंट कब हुआ है, 9 बजे तो पहला वोट काउंट हुआ है किसी भी जगह, कराची में कहीं भी पहला वोट 9 बजे काउंट हुआ है, क्योंकि वो पोलिंग अमला नहीं था। तो हम इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल जाएंगे। जहां तक बात है कि कराची के पूरे, मैं समझता हूं कि इलेक्शन इलेक्शन ना होने से बेहतर ही होता है। और ये इलेक्शन बड़ा अरसे से कराची के बासी जो है वो इंतजार में थे, और लोकल बॉडी जो है वो एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें गली मोहल्ले की सियासत होती है, गली मोहल्ले के मसाइल हल करते हैं। तो ये होना बड़ा जरूरी था, और मैं समझता हूँ ये एक हमें इसको जारी रखने की ना जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि जी अगर कोई पार्टी हार गई तो इलेक्शन नहीं कराएं, तो ये तो ये बड़ा रहा। और एक और चीज, पाकिस्तान की तारीख में अब लिख दी गई है कि एक पार्टी हुकूमत में बैठी ये कोशिश करती रही आखिरी वक्त तक कि जी इलेक्शन ना, और ब्लैकमेलिंग, कभी कहा गया जी टेररिज्म के खदशात हैं, कभी कहा जी सिक्योरिटी नहीं है, कभी कहा जी आर्मी नहीं है, रेंजर नहीं है, कभी कुछ कहा। तो बहानेबाजी हर वक्त चलती रही, और इन्होंने जो है एंड वक्त तक लोगों को कंफ्यूज करके रखा। तो मैं समझता हूँ बड़ी बद इंतजामी और बड़ी नाकामी है इलेक्शन कमीशन की। ठीक, मेयर ला रहे हैं या इत्तेहाद ही ढूंढेंगे आप भी? देखिए, हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, अगर मेयर आएगा तो हमारे अकेले का आएगा, वरना हम किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। ठीक, और एनक्यूएम के बायकॉट का टर्नआउट पर तो असर रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा समझती है, आप कैसे देखते हैं उसका रिजल्ट्स पर कैसा असर देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली कोई पार्टी हिस्सा नहीं लेती तो वो एक फर्क तो पड़ता है, लेकिन लोकल बॉडी का अब देखें ट्रेंड ही ऐसा है। पिछला भी लोकल बॉडी जो इलेक्शन 2015 में हुआ था उसमें तकरीबन 17-17.5% टर्न आउट रहा था। तो टर्न आउट तो हमेशा लोकल बॉडी में इतना कोई खास नहीं होता, लोगों का रुझान कम होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। हमें आखिरी वक्त में पता लगा कि बहुत ज़्यादा 4-3 बजे के बाद जो है वो काफ़ी लोगों का रश लग गया था, कैंप्स पर लोग आना शुरू हो गए थे, और अगर टाइम बढ़ा दिया जाता तो टर्न आउट ज़्यादा होता, क्योंकि टाइम इसलिए हम कह रहे थे बढ़ाने के लिए, कोई पोलिंग का शुरू ही देर से हुई थी। सही, तो जब एक अमली शुरू देर से हुआ तो उसको तो एक्सटेंड करना चाहिए था, और ये तो अच्छी चीज थी कि ये टर्न आउट बढ़ जाता। ठीक, अरसलान साहब वही राजपुर साहब हमारे साथ हैं। वही साहब, जगह कुछ सवाल करना चाहे वहाँ साहब का। अरसलान साहब, ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ जगहों पे इल्ज़ामात लगे, फिरदौस शमीम नकवी पे भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जाके पोलिंग बूथ के जो सील थी वो तोड़ दी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आए, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा, मैं क्योंकि मैं अपने हलके में मौजूद था और पूरा दिन उसी के मामला में लोगों के इशूज और वोट डलवाने के उसमें ही था, तो मैंने सुना है, मुझे भी 2-3 टीवी चैनल ने इसी तरह मुझसे पूछा सवाल, लेकिन मैंने वो देखी नहीं है वीडियो। लेकिन अगर कोई भी शख्स, मैं स्टेटमेंट देना चाहूँगा, कोई भी शख्स अगर किसी भी तरह की इलेक्शन की अमल की वॉयलेशन करता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। हम तो सिंपल, इसमें हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है, अगर किसी ने भी कोई वॉयलेशन किया उसके खिलाफ बिल्कुल करें। ये अरसलान साहब, दूसरा इल्ज़ाम भी लगा है अभी गुलशन-ए-म्यांमार में वाक़या पेश आया है
पीपल्स पार्टी ने कहा है कि शाहिदा रहमानी का जो बेटा है हिलाल रहमानी जो कैंडिडेट था उस पे भी हमला हुआ है, वो भी आपकी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखें, ये तो हमारे इलाहाबाद के भी कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ है। कल रात आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह वो बल्दिया में वो उनका कैंडिडेट जो है पूरा डब्बा लेके जा रहा था। फिर एक जगह गुलबर्ग में टाउन के इलाके में वहां पे पुलिस जो है वो डब्बे उठा के ले गई। तो ये सारा तो कसूर इलेक्शन कमीशन का है ना। इलेक्शन कमीशन के पास आखिरी वक्त तक पुलिस नहीं थी मौजूद, उनके पास अमला नहीं था मौजूद। ये इसको साफ शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी भी कैंडिडेट को तहफ़ फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये नहीं कर पा रहा, जो उसका उसका काम ही यही है। और उसका काम क्या है, पूरे साल में 3-4 साल में यही तो काम एक दफा काम आता है। इलेक्शन कमीशन का पूरा साल और कोई काम ही नहीं होता। 3-4 साल में भी अगर एक इलेक्शन ये सही तरीके से नहीं करा सकता इलेक्शन कमीशन, तो ये हम पाल क्यों रहे हैं इसको इलेक्शन कमीशन को। ठीक है अरसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाशिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौके पर मौजूद हो ज़ाहिर आहे हू भी ॼाणाइन पिया त असांखे बि शिकायतूं आहिनि ऐं असीं बि जेका समूरी सूरत रही आहे मां मुतमैन कोन आहियूं। ख़ासि करे इलेक्शन कमीशन जे किरदार जो ज़िक्र कयो, असीं मुतमैन कोन आहियूं। ऐं सिंध गवर्नमेंट जी ज़िक्र कयो अथऊं, इंतिज़ामिया सां मिली जेका गॾियल सजी करे हिननि समूरो कमु कयो आहे। नाज़रीन, हाणे टंडो अलायार मां असां सां गॾु शहरयार मोहम्मद साहब मौजूदु आहिनि, के टी एन न्यूज़ जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि। शहरयार, छा सूरत हाल रही अॼु समूरो ॾींहुं, छा ॾिठो अवां, छा ॿुधाईंदो असांखे अपडेट कंदो? जी नाज़िया, बिल्कुलु टंडो अलहार में जेको अॼोको इलेक्शन जो ॾींहुं रहियो उहो तमामु गर्मा गर्मा हवाले सां तेज़ रहियो। जॾहिं त अॼु जेको आहे ॿुधायो टंडो अलहार में 206 सीटुनि ते जेको आहे मजबूती तौर 749 उमेदवारनि जे विच में मुक़ाबला थिया। जॾहिं त एम के एम जे इलेक्शन जे बहकार बाद जेको आहे पी पी जी असांजी पोजिशन जेका उहा मज़बूत नज़र आई। जंहिंमें अगरि टंडो अलहार जे ज़िले में जेको मजमूई 4 टाउन कमेटियूं 25 यूथ में हिकु म्यूनिसिपल कमेटी हिकु ज़िले काउंसिल मजमूई 749 उमेदवार जेके उहे मैदान में रखियल हुआ। जॾहिं त हुनखे अलावा ॿुधायो सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम तमामु सख़्तु रहिया। पर टंडो अलहार ज़िले में जेका मेन जेका पोइ हुई यूसी बुकेरा शरीफ़, उहा अॼु हुनजे तमामु अॼु सुरकशीदगी वारी सूरत बरक़रार रही। जॾहिं तव्हां हुनखे ॿुधायो त उते वक़्तनि वक़्तनि यूसी बुकेरा शरीफ़ में जेको आहे छिताण वारी सूरत पैदा थींदी रही। हींअर बि कुझु देरि अॻु जेको आहे पोलिंग खां कलाक अॻु जेको आहे पोलिंग ते माण्हू जेको आहे हमिलो करे विधो, जंहिंखां पोइ पोलिंग जे हमले जे दौरान जेको आहे उते बेल्ट बॉक्स जेके आहिनि उन्हनि खे नुक़सान पहुचायो विया। बेल्ट बॉक्स जेके आहिनि उहे पटनि ते जेके वोट दाख़िल कया विया उहे पटनि ते पियल आहिनि। जॾहिं त उते पुलिस ऐं जेके उमेदवार आहिनि टंडो अलहार में जेके यूसी बुकेरा आफ़ताब खोखर ऐं एजाज़ पिताजी, उन्हनि ॿिन्ही ग्रुपनि जे हामियुनि जेको आहे उहे उते पहुची विया। जॾहिं हामियुनि जे पहुचण खां पोइ हुन में पाण में झेड़ो थी पियो, जहिड़े नतीजे पुलिस ऐं रेंजर्स जेका आहे उहा उते पहुची चुकी आहे। जंहिं लाठबाज़ी करे उते माण्हुनि लठबाज़ी कई, जंहिंमें केतिरा ई माण्हू जेके शदीद थी ज़ख़्मी थी पिया। जंहिंमें माण्हुनि में भाॼ पिया जीवे कंदा हुआ। ॿुधायो त हींअर जेका मौजूदा सूरत हाल आहे हींअर रेंजर सां सूरत हाल कंट्रोल खां ॿाहिरि निकिरी चुकी आहे। आर्मी खे जेको आहे उते हींअर तलब कयो वियो आहे, जेके आर्मी उतां टंडो अलहार खां बुकेरा शरीफ़ सां रवानी थी चुकी आहे, जेका सूरत हाल जे राब्तो वारी कोशिशि करे रही आहे। जंहिं तमामु छिताण वारी सूरत हाल जेको रही टंडो अलहार में, हूअं त सॼे ज़िले में पूरो अमन नमूने सां पोलिंग हलंदी हुई, पर यूसी बुकेरा शरीफ़ में जेको आहे तमामु छिताण वारी सूरत हाल रही, जेका छिताण अञा ताईं बरक़रार आहे। उते असांखे मालूम सर अञा ताईं गणप जी जेका गणप वञणु शुरू न थी सघी आहे, छो जो पोलिंग ते हमिलो कयो वियो। हमले जे दौरान जेको आहे हामी जेके हुआ उमेदवार जेके हुआ ॿिन्ही उमेदवारनि जे हामियुनि हिक ॿिए जे उमेदवारनि मथां हमला करे विधा, जंहिंमें उहे ज़ख़्मी थी पिया। जॾहिं पोलिंग जे अंदरि बि हमिलो कयो वियो, जंहिंजे करे जेको आहे पोइ बेल्ट बॉक्स जेके आहिनि उहे फुटेज में ॾिसी सघजनि था, उहे बि रोडनि ते। शहरयार मां सवाल कंदुमि वहीद राज पर, हीअ जेको टंडो अलहार जो शहर आहे उहो एम क्यू एम जो गढ़ रहियो आहे। एम क्यू एम बाइकाट कयो ऐं पहिरियां बि जेके नाज़िम रहिया आहिनि उहो बि जेको हुनजे हिमायत खां पोइ ई आया आहिनि, या इंडिपेंडेंट एम क्यू एम जो हिते नाज़िम रहियो आहे, चेयरमैन रहियो आहे। त हिन वक़्तु छा सिचुएशन रही पूरी टंडो अलहार सिटी में, उते वोटरनि जो तव्हां कीअं ॾिठो जोशो खरोश? वही साईं, मसलो इहो आहे त अॼु एम क्यू एम में जेको 15 सीटुनि ते मुक़ाबलो करे रही हुई म्यूनिसिपल कमेटी ते, उन्हनि जे बाइकार खां पोइ जेको आहे हुननि पंहिंजे वोटर्स खे जेको आहे घरनि ताईं महदूद रखी छॾियो। जॾहिं वोटर जे जेके एम क्यू एम जा हिमायती हुआ उन्हनि जेको आहे वोट दाख़िल कर वोट ॾियण लाइ उहे न निकिता, जॾहिं हुननि जो बाइकाट कयल हुई। उन खां पोइ जेको असांखे मजमूई तौरु फ़ाइदो थींदे नज़र आयो, त पीपल्स पार्टी खे फ़ाइदो नज़र थींदो आयो, त पीपल्स पार्टी खे हुनजो फ़ाइदो वियो पिए। पर एम क्यू एम जी जेका हुई त उहे एम क्यू एम जे बाइकाट खां पोइ उहे मुसलसल जेके आहिनि उहे इलेक्शन जे जेको मरल हलियो सॼो ॾींहुं उन खां पासीरा नज़र आया असांखे।
ठीक शहरयार, बड़ी महरबानी अवां जी। नाज़रीन शहरयार मेहमान असांखे अपडेट कयो टंडो अलायार में, ख़ासि करे उते जेके छिकताण वारी सूरत हाल बि रही आहे यूसी बुकेरा शरीफ़ में, उन वारे सां बि शहरयार असांखे अपडेट कयो। वही साहब, जेका समूरी सूरत हाल ॿुधण में अचे पई ऐं ज़ाहिर आहे उनखां अॻु ज़मीर साहिब जीअं ॻाल्हि कई त अनसर्टेनिटी असांखे मुसलसल नज़र आई, इवन जेके ख़ुदि जेके कंटेस्ट कंदड़ पार्टीज़ हूं उन्हनि खे बि इहा अनसर्टेनिटी रही त थींदी न थींदी, टाइम ते थींदी ऐं जेके न थींदी त पोइ छा थींदो। अवां सम्झो पिया त टर्न आउट ते हिनजो बि हिकिड़ो वॾो असरु पियो आहे। ॾिसो, पॉलिटिकल पार्टीज़ खे कम अज़ कम हफ़्तो टे ॾींहंनि जो हिकिड़ो टाइम ॾिनो वेंदो आहे कंपेन हलाइण जो। वॾे में वॾो जेको रीज़न आहे टर्न आउट घटि रहियो आहे 16 ज़िलनि में, उनजो रीज़न इहो आहे त हिकिड़ी कंपेन कोन हली, पॉलिटिकल पार्टीज़ जा जेके कैंडिडेट हुया आज़ादु उमेदवार हुया उनखे। वैसे साहब, इन गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कंदासीं, मां कैंपेन जो ज़िक्र कयो ऐं असराइती कैंपेन असांखे मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ मां जमा जमायत इस्लामी जी बि असांखे असराइती कैंपेन नज़र आई, उहा ऑन ग्राउंड बि असीं ॾिठीसीं, असां सोशल मीडिया ते बि नज़र आई। डॉक्टर उसामा रज़ी साहिबु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां वठूं था अॼु की जेका सूरत हाल आहे। डॉक्टर साहिबु, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कैसे देखते हैं आज के इलेक्शन को, क्या कहेंगे? देखिए, आज का इंतखाब इस एतबार से बहुत कामयाब रहा कि एमपीएम की अपील को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया और शहरियों ने बड़ी हद तक रात 3 बजे तक इंतखाबी अमल को कंफ्यूजन में रहने के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में शहरी निकले हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस एतबार से भी ये इलेक्शन कामयाब रहा कि जिस तरह से पहले अगवा होते थे, तशद्दुद किया जाता था, गोलियां मारी जाती थी, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए जाते थे, वो सारा अमल एमकेएम की अदम मौजूदगी की वजह से शहरी एक सुकून पुरसकून अंदाज में जमहूरी अमल आगे बढ़ाए। लेकिन मैं एक चीज की निशानदेही करना चाहता हूं कि पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन के आखिरी मरहले में और पीपुल्स पार्टी ने इंतखाबी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वही तमाम तर्ज अमल इख्तियार किए हैं कि जो एमकेएम इख्तियार करती थी, और इन्होंने वो सारी चीजें इख्तियार की हैं, ठप्पे भी लगाए हैं इंतखाबी मशीनरी के जरिए, उन्होंने मीडिया के अमले को भी जो है वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया है, और वो तर्ज अमल इख्तियार किया है जो अंदरून सिंध इख्तियार करते हैं, वो उन्होंने कराची के तमाम सबर्ब में, गोठों के इलाकों में, तमाम उस तरह की आबादियों में उन्होंने उसी तरह की गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, और जिस इंतखाबी धांधली की हम शदीद मजम्मत करते हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने लाअमल का ऐलान करेंगे। ठीक डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा क्योंकि अब तो नतायज के हवाले से आप क्या उम्मीद रखते हैं, मेयरशिप के हवाले से कितना पुरउम्मीद है, वो भी बताइएगा। देखिए, नतायज के एतबार से जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो ये कि शहरियों ने मेन स्ट्रीम शहर से पीटीआई को भी जो है शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। ये तो इसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई नजूमी ही बता सकता है, लेकिन तजिए और मुशाहिदे की हद तक जो बात है वो ये है कि मेन स्ट्रीम शहर में जमात इस्लामी नंबर वन पार्टी के तौर पर नजर आ रही है, सबर्ब्स में और इस तरह की तमाम कराची से मुलका आबादियों में पीपुल्स पार्टी का नजर आ रही है, और मेन मुकाबला मैं समझता हूँ जमात इस्लामी और पीपुल्स पार्टी के दरमियान ही बन गया है। ठीक ठीक, और 2002 में जो सिचुएशन बनी थी उस वक्त भी बायकॉट किया था एमक्यूएम ने, उसको अब एक बड़ा फायदा हमने देखा कि काफी वक्त तक वो देखिए जी एमक्यूएम आवाम की आंखों में फूल झोंक रही है। एमक्यूएम अगर इस मसले पे सीरियस थी तो उसको हुकूमत से अलहदा होना चाहिए था, उसको पीटीआई से निकलकर पीडीएम की हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए था, शामिल हो गए थे और उनका मुतालबा नहीं माना गया और वो सीरियस थे तो उन्होंने उन्हें बायकॉट करने से पहले अगर वो अपनी वजारतों से इस्तीफा देते तो उसको उसमें एक वजन होता और उसको संजीदा लिया जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया और इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है, अवाम के सामने बेनकाब हो गए हैं, ये एतमाद खो चुके हैं, शहरियों ने इनको पहचान लिया है और अब कराची एमकेएम के साथ जाने को तैयार है। ठीक, वही राजपूत साहब इस सवाल करना चाहेंगे। जी भाई उसामा साहब, ये बताइएगा जो सियासी तर्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमायत इस्लामी, इन तीनों में से कोई भी जो है 126 जो सीटें हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगी, किसी न किसी को एक दूसरे के सहारे की इताअत की ज़रूरत है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये तजिया बड़ी हद तक सही है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई एक पार्टी जो है वो पूरे शहर में स्वीप कर रही है, मैंडेट बहुत डिवाइडेड नजर आता है। मेन स्ट्रीम शहर में नंबर वन जमात इस्लामी और उसके साथ पीछे पीछे पीटीआई शायद किसी हद तक मौजूद हो, और सबर्ब में भी इन्हीं तीनों पार्टियों के दरमियान वोट तकसीम होता हुआ नजर आता है, जिसमें मेजर शेयर होल्डर मुझे पीपुल्स पार्टी लग रही है। तो क्या फ्यूचर में जमायत इस्लामी और पीपुल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप के लिए? देखिए,
एक चीज तो हमने बहुत वाजे तौर पे कह दी है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नंबर टू पोजीशन पे शायद हमारा जाना मुश्किल हो। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, केटीएन पर मौकिफ दिया। नाज़रीन, टाइम असां वटि घटि आहे ऐं हेडलाइंस खां पोइ ज़ाहिर असां वापसि बि ईंदासीं, पर उनखां अॻु हिकु ख़बर मां खे ॾींदासीं। सूबाई वज़ीर शर्जील ना मेमण साहिब जो चवणु आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अॼोकी चूंडनि दौरान खुलियल नमूने धांधली कई आहे। शर्जील मेमण जो इहो बि चवणु आहे त फिरदोस शमीम नकवी जा जेके सील तोड़ण वारा जेके फुटेजिस आहिनि बैलेट बॉक्सिस सां गॾु, उहे पिणु ॾिसी सघजनि था। उन ॻाल्हि जो खुलियल नमूने सबूत आहिनि त मकानी चूंड दौरान बदतरीन धांधली, बदतरीन दहशतगर्दी कई आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। पी पी एम एन ए शाहिदा रहमानी जे पुट ते पी टी आई जे गुंडनि जे हमले जी मज़म्मत कयूं था। शहज़ाद मेमण ते बि हमिलो कयो वियो, पी टी आई जे अहिड़े अमल जी बि मज़म्मत कजे थी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त पी टी आई कराचीअ में मकानी चूंड दौरान बदतरीन दहशतगर्दीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे। जहिड़े रीति फिरदोस शमीम नकवी बैलेट बॉक्स खोलींदो रहियो, खुलियल नमूने जो सबूत आहे। पी पी एम एन ए शाहिदा रहमानी जे पुट ते पी टी आई जे गुंडनि जे हमले जी मज़म्मत कयूं था। शहज़ाद मेमण ते बि हमिलो थियो, पी टी आई जे अहिड़े अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कजे थी। जी नाज़रीन, मां खे अपडेट कयोसीं उन खां अॻु उसामा रज़ी साहबु असां सां गॾु मौजूदु हुआ ऐं जंहिं पार्टी सां वेही साहबु ॻाल्हाइजे थो ज़मीन साहब, त हू तमामु घणा पुरउमीद बि नज़र अचनि था। ज़ाहिर हाणे कुझु ई देरि आहे, तंहिंखां पोइ रिज़ल्ट अचणु शुरू थी वेंदा। अर्ज़ु इहो आहे त तमामु पार्टियूं पंहिंजे तौर ते हमेशह इहे रहंदियूं आहिनि त असीं जेको आहे सो इलेक्शन खटींदासीं, पर इहो फ़ैसिलो जेको आहे सो बैलेट ई कंदो। हाणे अर्ज़ु इहो आहे त इलेक्शन कमीशन जी इहा जेको बि तनक़ीद करे थो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहा तनक़ीद ठहे कान थी। त इलेक्शन कमीशन त काफ़ी टाइम खां वाज़ी हिकिड़ो शेड्यूल ऐं डेट ॾेई वेठी हुई, पोइ सियासी पार्टियूं ई हुयूं जेके उन जे कम में रुखनो विझण जे लाइ मुख़्तलिफ़ हरबा पियूं कनि। हाणे इलेक्शन कमीशन खे पोइ बि जस हुजे त जेको बि टर्न आउट आयो, चाहे उहो एम क्यू एम जे बाइकाट जे करे आयो आहे, ऐं एम क्यू एम में बि ॿ एस्पेक्ट आहिनि, हिकु त अल्ताफ़ हुसैन जेको हिननि जो बानी हो, उन जेको आहे सो पहिरियों बाइकाट जो चयो आम शहरीनि खे, बाद में फिर ही जेको आहे सो एम क्यू एम पाकिस्तान बि इन जो ऐलान कयो त बाबा असीं जेको आहे सो इंतिखाब जो हिसो न वठंदासीं। ऐं उन खां पोइ इन जे बावजूद बि अवां ॾिसो त अॼु जेको बि इंतिज़ाम रहियो आहे इलेक्शन कमीशन जो, उहो तमामु बहितरीन तरीक़े सां थियो आहे। छोटा मोटा वाक़िया थिया आहिनि ऐं अहिड़े तरह जा इहे थींदा आहिनि। बाक़ी टर्न आउट जी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त सर्दी, ॿी इहा ग़ैर यकीनी सूरत हाल त आया जेको आहे सुभाणे इलेक्शन थींदी न थींदी, छो जो राति जो 12 बजे ताईं एम क्यू एम ऐं ॿिया जेको आहे जारी रखंदासीं। हिन वक़्तु ब्रेक था वठूं ऐं उनखां पोइ वापसि अची ट्रांसमिशन खे कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿियो ॿीहर मूंखे भलीकार चऊं था मकानी चूंड जे हवाले सां के टी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में, ऐं मूंखे अपडेट्स ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे। जीअं त हाणे छह थी चुका आहिनि त उन खां पोइ ज़ाहिर आहे जेको ॻणप वारो अमल जारी आहे, नतीजनि जे अचण वारो सिलसिलो बि शुरू थी चुको आहे। असीं बि जीअं जीअं नतीजा साम्हूं ईंदा असीं तव्हांखे अपडेट करण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कराची ऐं हैदराबाद जे नाज़रीन मिलाए करे 16 ज़िलनि अंदरि अॼु मकानी चूंड जो ॿियों ऐं आख़िरी मरहलो थियो आहे, जेको केतिरा ई भेरा डिले थियो आहे। ऐं नवाले सां जेका बि सूरत हाल रही असीं ॾिठोसीं त मुसलसल इन इलेक्शन खे वठी करे तमामु घणी ग़ैर यकीनी वारी सूरत हाल रही। बिलाख़िर अॼु उहो ॾींहुं हो जहिड़ी हीउ जेको ॿियो मरहलो हो इहो पुॼाणी ते पहुतो आहे, ऐं मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल रही आहे बहितर रही आहे। किथे कुझु हंधनि ते के अणवणंदड़ वाक़िया बि नंढा वॾा पेश थिया आहिनि, पर उन बावजूद को जानी नुक़सानु न थियो आहे ऐं सुठी सूरत हाल रही आहे, बहितर सूरत हाल रही आहे। अमन अमान जे हवाले सां टर्न आउट जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसूं था त टर्न आउट तमामु घणो घटि नज़र अचे पियो। ॿुधायो पियो वञे त मजमूई तौर ते जेको टर्न आउट रहियो आहे इन चूंड दौरान, उहो टर्न आउट ॿुधायो पियो वञे त 10-15% जे विच में आहिनि, या मुख़्तलिफ़ कारण बि ॼाणा पिया वञनि त सियारो आहे, मोकल जो ॾियारो आहे, ऐं कुझु हंधनि था कुझु इहे जेके राया आहिनि इहे बि शामिलु थियनि पिया हिन विषय में। त जेके पार्टीज़ आहिनि उहे पंहिंजे वोटर्स खे शायदि कैंपेन करण में त कामयाबु वयूं, पर उन खे पंहिंजे घरनि खां पोलिंग स्टेशन्स ताईं आणण में उन हद ताईं कामयाबु न थी सघियूं आहिनि। बहरहाल जीअं जीअं रिज़ल्ट साम्हूं ईंदा त उहा शइ वधीक वाज़े थींदी। अज़ीम ॿार जो साम्हूं सां गॾु मौजूदु आहिनि, के टी एन न्यूज़ ॼामशोर जा रिपोर्टर आहिनि। अज़ीम, छा सूरत हाल रही अॼु समूरो ॾींहुं ऐं छा सूरत हाल आहे हिन वक़्तु, नतीजा अचण जो अमल शुरू थियो आहे? नाज़ा वरी
मेहरबानी अज जामशोर जिले के तीन म्युनिसिपल कमेटी पंज टाउन कमेटीज टीह यूनियन काउंसिल की चूंड जी गुजर इन वक्त जो अमल जो वो वोटिंग जो वो मुकम्मल थी रो ताल कई तो वोटन जो टर्न आउट बिल्कुल ही जो अज सियारों भी हो आचर जो ढी भी हो टर्न आउट घट रो मानू की जी है तो वही रश जी पोलिंग स्टेशन बारह जो असा नजर आई मगर जैसे पोलिंग स्टेशन अंदर जैसे वोटन जो कास्ट थे तो उन्होंने रेशो बिल्कुल ही घट थो जैसे तो असा किथे दिसण में पोलिंग स्टेशन जी रायलो में हाँ 170 पोलिंग स्टेशन उतने एक भी वोट जो है लेडीज के जो पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट थो उन अलावा अमन अमान की सूरत हाल के जो अज बेहतर दिसण में आया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो वोटर जे मुखालफ धुर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हुआ उ पान में जो वेखल रहा किथे भी अड़ो अणवंदड़ वाक्यो जो वो पेश न आयो छो तो जामशोर जिले अंदर इन वक्त मुकाबलो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जामशोर इतिहाद जो वो दौड़ो इन वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम पी ए मलिक असद सिकंदर के हाउस डॉक्टर सिकंदर के हाउस वे जो कारकुन जन वो पहुंचने जो सिलसिलो जारी है रिजल्टू जो अचन जो डप मुकाबलो है जामशोर इतिहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हाँ ता तो केर तो सुभा पे मगर इन वक्त जो पोलिंग जो अमल जो वो मुकम्मल तौर जो वो बंद थी चुको है गणप जी वह जारी है इंतजार कर उम्मीदवार जश्न मल्हाईंदा इन वक्त मुकाबलो जो जामशोर इतिहाद पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबलो अ उम्मीदवार इंतजार कर रहा है रिजल्ट कड़े टाइम से अचे थी मगर कुछ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट अचे थी तो उनमें पीपीए जहा उम्मीदवार कामयाब था थन तो कुछ जामशोर इतिहाद जो उम्मीदवार कामयाब था कारकुन एमपीए जो मलिक असर अगूणो एमपीए डॉक्टर सिकंदर शरो जो जामशोर इतिहाद जो अगुवान उन्होंने हाउस वे जो मानू जो अंग जो हिंसर अचान घुर्ज एक बे के मुबारकू दिन था छो तो बड़ी मेहरबानी वाजी अजीम असी अमा से जरूर बीहर भी राबतो कंदासे जडे अमा वट के नवा नतीजा हुंदा वक्त नाजी दादू में नतीजो सामू अचे पो बुधा हलूँ तो दादू वार्ड नंबर एक म्युनिसिपल कमेटी बुधाई पे वे जिते जो नतीजो सामू आयो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब थो है दादू म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 18 तुम्हें पाया दादू की म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 है एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाबन खान पमर है जो 341 वोट खड़ी कामयाब थो है जैसे तो म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 3 पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मौला बख्श कामयाब थो है नतीजा अचान जो सिलसिलो शुरू चुको है नासरीन दादू म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 18 तक उम्मीदवार गुल मोहम्मद कामयाब थो है वार्ड नंबर 8 से पीटीआई उम्मीदवार 214 वोट खड़ी कामयाब थो है जैसे तो दादू म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाबन खान पमहर नासरीन कामयाब थो है नतीजन के सिलसिलो शुरू चुको है जी अजीम असें अपडेट किया तो जो हाँ पोलिंग का वक्त पूरा थियण का जो मुकर्र वक्त हो पंज वक्त पूरा थियण का इलेक्शन कमीशन जानायो तो जे भी पोलिंग स्टेशन की हदन में मानू मौजूद हुंदा उन्हें जे वोट हुंदा उहे कास्ट कया वेंदा जैखां पोए गणप वारो अमल शुरू थींदो हाँ गणप वारो अमल हर हंध ते जारी आहे ऐं नतीजा भी नाज़रीन अचण शुरू थी चुका आहिनि अवां खे असीं दादू जे हवाले सां ॿुधायोसीं जिते म्युनिसिपल कमेटी जे वार्ड नंबर 18-8 जो नतीजा साम्हूं आया आहिनि 18 ते पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार ऐं दादू जे म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 ते पीटीआई उम्मीदवार कामयाबी हासिल कई आहे जॾहिं दादू म्युनिसिपल कमेटी जे वार्ड नंबर 1 ते पिण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार सुभारो थियो आहे मकानी चूंडन जा नाज़रीन नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी आहे गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा आहिनि जीअं जीअं असां ताईं नतीजा पहुचनि पिया असीं अवां ताईं पहुचायूं पिया उन सां गॾोगॾु तज़ियनि तबसरनि जो सिलसिलो बि जारी रखंदासीं ऐं गॾोगॾु जेके मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जिन हिसो वरितो आहे मकानी चूंड जे ॿिए ऐं आख़िरी मरहले में उन हू कीअं ॾिसनि पिया समूरे चूंड अमल खे केतिरो मुतमइन आहिनि नतीजनि खे वठी करे केतिरो मुतमइन या केतिरो पुरउमीद आहिनि उन हवाले सां बि अव्हांखे अपडेट कयूं पिया ऐं मुख़्तलिफ़ जेके नतीजा साम्हूं अचनि पिया उहे बि अव्हांखे ॾियूं पिया ज़मीर साहिब मूंसां गॾु ई स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ऐं ज़मीर साहिब जेका समूरी सूरत हाल आहे नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी आहे जॾहिं नतीजा ईंदा त पोइ वधीक सूरत हाल वाज़े थी सघंदी अव्हां सां वरी ॻाल्हाईंदसि असगर खानोटी वटि शायदि को नतीजो आहे का अपडेट आहे असगर खानोटी सां हैदराबाद नज़र केटी न्यूज़ जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि असगर छा सूरत हाल अथई अॼु समूरो ॾींहुं चूंड अमल जी ऐं हाणे नतीजनि जे हवाले सां कहिड़ा अपडेट्स आहिनि हाँ जी बिल्कुल हैदराबाद जी तो तुम्हें बुधाई तो हैदराबाद में
मकानी इदारनि जे चूंडुनि जे हवाले सां वधीक तौर ते म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैदराबाद जे हिकु सत यूनियन कमेटियुनि ते अॼु पोलिंग जो अमल शुरू थियो। तव्हांखे ॿुधायूं त एन क्यू एम जे बाइकाट सबबु जेका वोटिंग जो शरह हुई उहा तमामु इंतिहाई घटि हुई। हैदराबाद जो जेके सिटी वारो इलाइक़ो आहे, लतीफ़ाबाद जो इलाइक़ो आहे, उन्हनि में 10-15% वोटिंग जी शरह हुई। तव्हां ॿुधायूं त पके किले जी में जेको सरफराज टाउन में अचे थो उन जी यूसी नंबर 30 जी जेको पोलिंग नंबर 5 जी जेको रिज़ल्ट आई आहे उन में तव्हांखे ॿुधायूं त उन पोलिंग नंबर 5 जे रिज़ल्ट में तक़रीबन 2296 रजिस्टर्ड वोट हुआ, जिन मां सिर्फ़ 114 वोट कास्ट थी सघिया आहिनि। ऐं जॾहिं त उन में आज़ादु उम्मीदवार आरिफ दई 56 वोट खणी कामयाबु थियो आहे। उन पोलिंग तां जॾहिं त पी टी आई जो उम्मीदवार 2 नंबर ते आयो आहे, उन 39 वोट खया आहिनि। जॾहिं त 3 नंबर ते पीपुल्स पार्टी जो उम्मीदवार हुयो, उनखे 10 वोट मिलिया आहिनि ऐं 5 वोट ख़ारिज थिया आहिनि। त इहो रेशो आहे जो हिन पोलिंग ते 2296 वोट हुआ त उन ते सिर्फ़ 114 वोट कास्ट थी चुका आहिनि, जंहिंजे आज़ादु उम्मीदवार कामयाबु थियो आहे। अहिड़ी सूरत आहे लतीफ़ाबाद ऐं सिटी जा बीपीएन इलाइक़नि जी आहे, जंहिंजे हर पोलिंग ते तक़रीबन इहो ई रेशो आहे 10-15% जेको आहे वोट कास्ट थी सघिया आहिनि। हैदराबाद में मकानी इदारनि जी चूंडनि जे बावजूदु जेका आम ज़िंदगी उहा महमूल ते हुई, आम कारोबार खुलियल हो, सियासी पार्टियूं ऐं माण्हुनि खे पोलिंग स्टेशन ते आणण में मुकमिल तौर ते नाकाम वियूं आहिनि। ऐं साहे कासमाबाद जा कुझु इलाइक़ा आहिनि ऐं तनो जान जो जेको इलाइक़ो आहे ऐं बहिराणी वारा इलाइक़ा आहिनि, उते माण्हुनि जी कुझु वॾी महिरबानी मुंहिंजे असगर अपडेट खणण लाइ। नाज़रीन, मुख़्तलिफ़ हंधनि तां रिज़ल्ट अचण जो सिलसिलो जारी आहे। असगर खान वटि जेके नवां रिज़ल्ट हुआ असां अपडेट कयो। हाणे टाउन कमेटी टंडो ग़ुलाम हैदर वार्ड नंबर 2 जा नतीजा तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उमेदवार कामयाबु थियो आहे। टाउन कमेटी तलहार वार्ड नंबर 6 मोहम्मद उस्मान दलवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उमेदवार हितां खां कामयाबी हासिल कई आहे, 204 वोट खणी। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन, टाउन कमेटी हाला वार्ड नंबर 4 तव्हांखे ॿुधायूं पिया त इते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उम्मीदवार आहे मंसूर नवाज़, जंहिं 312 वोट खणी कामयाबी हासिल कई आहे। टाउन कमेटी तलहार वार्ड 6 जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार 204 वोट खणी कामयाबी हासिल कई आहे। ऐं उनखां सवाइ तव्हांखे अपडेट कयोसीं टाउन कमेटी टंडो ग़ुलाम हैदर वार्ड नंबर 2 जे नतीजे खां, जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार अब्दुल मजीद ख़ासकेली 991 वोट खणी कामयाबी हासिल कई आहे। नाज़रीन, टंडो जाम खां गुलशेर लोची KTN न्यूज़ जो सीनियर रिपोर्टर असां सां गॾु मौजूदु आहे टेलीफोन लाइन ते। असीं कोशिशि कयूं था उन सां राब्तो असांजो मुनक़िद थियो आहे, कोशिशि कंदासीं राब्तो करे अपडेट तव्हांखे करण जी। जेके हिन वक़्त ताईं नतीजा साम्हूं आया आहिनि उहे तव्हां पंहिंजी टेलीविज़न स्क्रीन ते ॾिसो पिया। दादू म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 बाबन खान पवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार, जंहिं 341 वोट खणा आहिनि, कामयाबी हासिल कई आहे। म्यूनिसिपल कमेटी दादू वार्ड नंबर 5 कुर्बान चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगेन उम्मीदवार आहे, जे 304 वोट खणी हितां खां कामयाबी हासिल कई आहे। ऐं संदसि मुक़ाबले में नाज़रीन, हीअ म्यूनिसिपल कमेटी 6 जो रिज़ल्ट आहे, जिते जावेद शाह इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आहिनि, 174 वोट खणी उन्हनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जे मुक़ाबले में कामयाबी हासिल कई आहे। टाउन कमेटी टंडो ग़ुलाम हैदर वार्ड नंबर 2 जा नतीजा हींअर तव्हां पंहिंजी टेलीविज़न स्क्रीन ते ॾिसो पिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार 991 वोट खणी कामयाबी हासिल कई आहे। मोहम्मद उस्मान दलवाई आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार, जिन 204 वोट खयां आहिनि। टाउन कमेटी तलहार वार्ड नंबर 6 जो ई नतीजो तव्हां पंहिंजी टेलीविज़न स्क्रीन ते ॾिसो पिया। टाउन कमेटी हाला वार्ड नंबर 4 जिते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे मंसूर नवाज़ साहब 312 वोट खणी कामयाबी हासिल कई आहे। ज़मीन साहब, नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी आहे, ज़ाहिर आहे जॾहिं ई नतीजा थोरो अॻियां वधंदा त थोरी पिक्चर वाज़े थींदी त कहिड़ी पार्टी किथे बीठल आहे। पर उन सां गॾो गॾु फौरी तौर ते छा मंज़रनामो जुड़ंदे वा ॾिसो पिया, सम्झो पिया त किथां को बाइकॉट त अची वियो राति असां ॾिठोसीं। हिन महिल ताईं जेके नतीजा अचनि था उहा हैदराबाद डिवीज़न जा था अचनि। हैदराबाद डिवीज़न ॿिनि हिसनि में विरिहायल आहे, हिकु जेको शहरी ऐं ॿी बहिराड़ी। बहिराड़ी में हींअर जेके असां ॾिसूं था नतीजा, उन में पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते अॻिते अचे थी पई। ऐं जेको आहे सो जीअं जीअं इहा सूरत हाल हैदराबाद शहरी इतिहाद जी शहरी जेको आहे सो पोलिंग जी ईंदी या कराची जी ईंदी, तीअं तीअं जेको आहे हिकु वाज़ियो सूरत हाल जो साम्हूं थींदो ईंदो त बाबा छा अचे थो। बाक़ी हिन वक़्त ताईं जेकी बहिराड़ी जी सूरत हाल आहे ऐं जेकी हैदराबाद डिवीज़न जा, उन में पीपल्स पार्टी त नुमाया अचे पई। हाणे ॾिसजे त अॻिते छा थो थिए। बिल्कुलु, ऐं जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त असां ॾिसूं पिया जेको शहरी वारो पासो आहे या बहिराड़ी वारो, जीअं अवां बि ज़िक्र कयो, असां ॾिसूं पिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अक्सर नज़र अचे पियो। हिकु वॾो फैक्टर MQM जो बाइकॉट बि नज़र अचे पियो।
एमक्यूएम जो बायकॉट जो है वो बहराड़ी के पोलिंग स्टेशन से एडो असरअंदाज न तो थे, बाकी हैदराबाद के शहरी ए कराची से है। हाँ यो है तो ऐसो यो है एमक्यूएम जो यो जो बायकॉट हो वो बेनिफिशरी कें तो करे, आया वो मजहबी पार्टियों के तरफ वो आया वो पीटीआई के तरफ वो माजी में तो ठो जमात इस्लामी के भी उन जो फायदो पयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इन दफे यो उम्मीद थी कजे तो पीपल्स पार्टी के शायद उन जो फायदो पंदो। ठीक ठीक आ उनसा गडोगर अज त आराम जो डी जणायो है मुतदा कोई मूवमेंट पर सुभाणे का उन जणायो त सी वरी अवा के फील्ड में एक्टिव रोड से नजर इंदा सी सुभाणे छ थन वने या अवा के लगे पयो त ही जो को थणो थी चुको न अर्स यो आता जेकी इलेक्शन थणी आ वो आज ही थी भी अज ही रिजल्ट अची वा बाकी हाँ यो जो कुछ होंद वो नई वार गेम जो हिस्सों होंद नए एक मैदान जो जो दौड़ होंगी उनमें हु जैसे पान के रीऑर्गनइज कन था तो सुठी गाल पर हि जो अजोकी इलेक्शन आज नतीजा खड़ी अची चुकी है खड़ी अचे थी पी उनमें जो सो एमक्यूएम अहम फैक्टर है हर भेरे दिखो भी होंद तो जितोक मकानी चूंड के वही कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तंकीद थी रही है तो वो पैं जो पावर्स वो हेठे ट्रांसफर करण में एतरो सीरियस ना ठीक गुफ्तगु जो सिलसिलो जारी रखे नतीजा भी अचन पाया उ नाजरीन तक पहुँचाने जो सिलसिलो भी जारी रखू था नाजरीन मुख्तलिफ हंधन से पोलिंग जो वक्त खत्म थियण का रिजल्ट्स अचान जो सिलसिलो है वो जारी है और जी जी नतीजा असं वो सामू अचन पाया गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा यानी फरीदाबाद के वार्ड नंबर जो जो नतीजो है जो असं वहाँ शेयर कंदे उन गोलार्ची में भी नतीजा सामू आया हाला टाउन कमेटी के वार्ड नंबर बे पीपी उम्मीदवार लाला मोहम्मद सनाई 620 वोट खड़ी कामयाब थो है। बदीन म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 90 पीपी उम्मीदवार फतेह मोहम्मद कामयाब थो है। उन नाजरीन फरीदाबाद के वार्ड नंबर 2 है जिते पीटीआई जो मोहम्मद अमीन बरोही नाजरीन कामयाब थो है। नतीजा वहाँ के दिखारूँ पाँ के मुख्तलिफ हंधन था जिते जिते नतीजा सामू अचन पाँ शेयर क्यों पाया। हैदराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ नाजरीन हंधन जहा ही नतीजा जे अव शेयर क्यों पाया। हिंसर गुलशेर लोची टंडोजाम केटी न्यूज रिपोर्टर्स लाइन से मौजूद है। गुलशेर सूरत हाल रही समूरो वक्त नतीजन के वाले साहब असा अपडेट कर जो। बहराड़ी वो पासो है उनमें टनो जाम वो इलाको रखड़ है जैमें 52 टोटल पोलिंग स्टेशन हुई टंडो जाम की राहुकी थानों में कुल जो 15 यूनियन कमेटीज हुई जैसे इलेक्शन थी सजो ओ सुबह वालों को पार हो उनमें वोटिंग जो रेशो तमाम सुस्त रफ्तार के शिकार हो जैसे जी जी ढीं वो ढीं गरम वो वोट निकलता हुआ और तक यो बुझाई हल तो जी हैदराबाद में मुतहदा के सो बाइकाट का मुख्तलिफ स्टेशन से जो सो वोटर जो असर पो ये टंडो जाम शहर जहा मुख्तलिफ वार्ड हुआ जिते मुतहदा जो असर है उसे जो सो वोट शर तमाम घट रही इन वक्त ही जी नतीजन जो अच्छा शुरू किया यूनियन कमेटी 57 में एको नतीजो जो गैर रस्मी असके मौसूल किया है गुलाम अली लाशा की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जैं 240 वोट खड़ी कामयाबी माणी है वक्त जो गणप जो सिलसिलो जारी है तक यो बुझाई हल तक हैदराबाद बहराड़ी में जो फॉर्म 45 हो वो लेट मिलने के गणप जो सिलसिलो टंडोजाम शहर खासतौर से जो टंडोजाम की यूसी 63 है यूसी जो 64 है उनमें जो सो देर से थोड़ा कुछ नतीजा जे गैर हाथ में अच्छा शुरू थी उनके बावजूद जो टंडोजाम शहर में कें जगह से कें किस्म की का भी अमन अमान के हवाले से का जो सो शिकायत मौसूल नी सवाए बिन टंडोजाम हाई स्कूल नंबर 2 टंडोजाम फारम कॉलोनी जो 2 अड़ी पोलिंग स्टेशन जिसे थोड़ी देर के लिए पोलिंग स्टेशन बंद के भी बाकी पूरो पुरमन तरीके से इलेक्शन थी इन हवाले से सिंध पुलिस जहा अमलदार जो रेंजर्स उसे गश्त कहीं रही उन अलावा इन वक्त एक पोजिशन है तो गणप जो जारी है पोलिंग स्टेशन के बहर कारकुन जहा वा अंग नारेबाजी हली रही है। ठीक गुलशेर वरी मेहरबानी वहाँ की अपडेट्स लाइन से राबो जारी रखे नाजरीन गुलशेर सूरत हाल बुधाई टंडो जाम की भरपासे वाले लायक की उन उन अग अं अपडेट कियासी इलेक्शन के नतीजन के हवाले से अज नाजरीन कराची ए हैदराबाद डिवीजन से 16 जिले अंदर मकानी चूंड जो बो आखिरी मरहलो पुजाणी से पहुंची चुको है जैखा गणप वो अमल जारी है नतीजन के अचण जो सिलसिलो भी जारी है उनते ही असं मुख्तलिफ पार्टीज जो मौकफ़ आ उ भी वहाँ रखियासी वक्त नाजरीन अल्ताफ चन्ना कराची में केटी न्यूज़ रिपोर्टर्स से लाइन से मौजूद है। अल्ताफ का असं सूरत हाल मालूम क्यों था अल्ताफ कड़ा अपडेट्स हैं अजोकी चूंड नतीजन के हवाले से
जी बिल्कुल नाजिया, अज मकानी चूंडों को बो मरहलो कराची हैदराबाद में उनको वक्त वो पूरा थो उनको गणप जो अमल है वो इन वक्त जारी है। समूरे ढी में मुख्तलिफ हंधन से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों जहाँ जे कारकुन है उन्होंने चक्रियों भी थियं है। उनका अलावा इलेक्शन कमीशन जे मुख्तलिफ इलाक में अण पूरा जे इल्जाम हुआ इंतजाम भी कया उन हवाले से भी ये शिकायतू आयो। इन वक्त जो है वो गणप जो अमल है वो जारी है। इन वक्त जे नतीजा आन उ अचान शुरू थी मुख्तलिफ हंधन से पीटीआई एमक्यू का सवाए जे जमायत इस्लामी पीटीआई जे उम्मीदवार उन्होंने विच में कांटे जो मुकाबलो हो वक्त जो गणप जो अमल है वो जारी है। थोड़ी देर बाद ही यो नतीजन जो है वो ऐलान अचान शुरू थी वो खबर पवी तो कराची जो मेयर जो ताज है वह कड़ी सियासी पार्टी पाँ सिर खड़ी वही महरबानी आए ज़ाहिर असाधिक असंख भी इंतजार है आवाम भी बुधन चाहे पो पर पार्टीज भी बेसब्री से इंतजार करन पे दावा भी कन पे जमीर साहब असो मेजिकल नंबर है 124 जो मेयरशिप लाए उनके असि अकेले सिर हासिल कर शायद असें कें किस्म के इतिहाद की जरूरत ही न पवे। मुझे ख्याल कि वक्त मौजूदा जी रिजल्ट की कंपोजिशन की सूरत हाल है उनमें का भी पार्टी वाजी अक्सरियत यह 124 तादाद वो पूरा कोन कर सकती। हाँ केर कैसा अलाय कदो वो तमाम मामला जे पार्टियों पान में बाहमी मुशावरा से कद पर लगे ये तो का भी अड़ी पार्टी काने जी अकेले सर इन ताज के पान सर ते पाए सके सो उन हिसाब से जोर तोड़ थी सो सियासत में होंद हर को मानू पां इंट्रस्ट के दस हर पार्टी पां इंट्रस्ट के सामू रखी कर एक बे से गाल जेकी जेकी वेझो अची वही वही मिली करे हुकूमत ठाईद मकानी इदारन जो पर हुआ ये खपे तो जेकी भी अलाय अचे उन कराची के लिए कम खन खपे हितां जे जेके बुनियादी मसला है उन जोर दियण खपे। बाकी इलेक्शन थियण का तमाम सियासी पार्टियों जो उन पान में एक थी वन जेकी भी एजेंडा होंगी है वह इख्तिलाफ की एजेंडा वो सिर्फ इलेक्शन के हद तक सही है। عوام खान عوام हते नजर इंदो है पार्टी से संगे बे पेशे नजर इंदो है عوام जे लाए मजमूई तौर ते सबनी के सोचण खपे ए मुजो ख्याल त जेत्रो मजबूत अलाय सा हुकूमत ठंदी ओत्रो बेहतर जे को इफेक्टिवली वो रोल अदा कर सकदी। ठीक पर जमी साहब असी उनका अग जे नतीजन का अग मु आगा पुछण बचायो त सी हर बार रिसनाओ जका सिंध सूबाई सरकार ते खास करे ये इल्जाम लगंदा रहंदा त हु मकानी चूंडन के वी कर संजीदा न रहूँ वो अस नज़र भी आयो अमलन तो वो संजीदा नज़र न पे आयो उनको असं डिठोसी वाजे मिसाल तो ड्रिघो ड्रिघो गैप नज़र आयो अस पंजन साल वक्फो भी नज़र आयो 7-8 साल वक्फो भी नज़र आयो एकड़ी मकानी चूंड का बी मकानी चूंड थे ताई मुख्तलिफ़ जवाब भी दींद रहूँ पर हाँ इनके केर मेक श्योर कहनी गारंटी केर ढींदो कानूनी लिहाज का आइनी लिहाज का गुंजाइश मौजूद है तो इन बाकी में इम्प्लीमेंट भी थे असं दिसूँ पेरों मरलो थी चुको बोर्ड आई एडो समूरा मामला थे अस परफॉर्मेंस नज़र को आई इन बोर्ड के अंदर अर्ज यो जो आइन आइन के आर्टिकल 148 तहत जो मुल्की निज़ाम हलने लाए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत जो जिक्र ओतरो ही बुनियादी जो तौर से मकानी हुकूमत जो भी जिक्र है। मकानी हुकूमत जी इतने असो निज़ाम हुकूमत में वो एक पिलर आ सही ए सुप्रीम कोर्ट हुए या हाई कोर्ट जी उन सो मोटो जुजरेक्शन मिली आए इन एक्सरसाइज थी सकती छो जो मकानी हुकूमत भी बुनियादी हुकूक आ आवाम जो उन अलायशो अदालतूँ जो सो मोटो न वन बाकी हाँ थे यो तो हिता जी असो पार्टी सिस्टम आलायशो डिजन आ मकानी सिस्टम के जरिए हेठी लेवल से इकतदार की मुंतकली न थे उनमें उन्होंने एजेंडा होंगी है जैसे यहाँ शे आइन में आए तो उन पार्टी इनहराफी छो थ कन उनजेंडा है जी आवाम के हकन से एक धाड़े जो सो रोल अदा करे थे आवाम के हेठी जो बुनियाद से बेसिक बुनियाद से जहाँ पावर न शेयर कद तो आवाम जो सो सियासत से जमहूरियत एतो यकीन न रख पार्टियों भी जो बजाते खुद एत मजबूत को छो जो बुनियादी तौर से जैसे तवजो गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट ही बुनियादी तौर से उभरे ही तो बल्दियात का बल्दियात में जेस तवाम तुम जो पावर शेयरिंग न कौ
तो वो पावर शेयरिंग वारो सिस्टम अॻिते हली पोइ ॾिसो था जेके बि सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमतूं आहिनि उहे कमज़ोर ऐं मफ़लूस थियूं थियनि ऐं उहे मसलियतनि जो शिकार थियूं थियनि छो जो ग्रासरी रूट ते जेकी आइनी तौर ते आवाम खे राइट ॾियणा हुया उहे हुई ॾियण लाइ तयारु न आहिनि चाहे कहिड़ी बि पार्टी हुजे ऐं जॾहिं बि पाकिस्तान जी तारीख़ में ॾिठो वञे त बदक़िस्मती इहा रही आहे त जेके आमिर आया आहिनि उन्हनि बलदियाती इलेक्शनूं त करायूं आहिनि पर जेके असांजा डेमोक्रेटिक फोर्सिस वारा जेके वफ़ाक़ी हुकूमत में या सूबाई हुकूमत में अची करे ऐं पोइ बि मकानी हुकूमतुनि खे ईअं डिले जो शिकार कंदा आहिनि मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा आर्न जे आर्टिकल 140 बहितर सम्झनि थियूं असांजे ॾाढो उहो मिसाल ईंदा रहिया आहिनि त छो हुन खां पासो कयो वेंदो आहे पर हीअ ज़ाहिर तमामु घणो इंपॉर्टेंट आहे जॾहिं अवां असीं ज़िक्र कयूं था ग्रासरूट लेवल जे इशूज़ जी अवामी जेके निज अवामी इशूज़ आहिनि बुनियादी इशूज़ आहिनि त दुनिया जूं जेके सुधरियल क़ौमूं आहिनि सुधरियल मुल्क आहिनि उहे सभु इन खे ते तमामु घणो अमल बि कनि था ऐं अॼु असांजे साम्हूं बि आहिनि कहिड़ी रीति हुते तरक़ी थिए थी अर्ज़ु इहो बि आहे हिकिड़ी ॻाल्हि अवां जी इजाज़त सां जेको अवां ज़िक्र कयो त हीउ जेको सैलाब वारी सूरत हाल आई या ख़ुदा न ख़ासा को डिज़ास्टर ईंदो आहे त अवाम बेयारो मददगार हूंदो आहे छो जो हर माण्हू जेको आहे सो उहो वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबाई हुकूमत ते अप्रोच नथो रखी सघे नतीजतन उहे रुली वेंदा आहिनि हाणे जेकॾहिं उते मकानी हुकूमतूं हुजनि हा त हर को माण्हू उन नुमाइंदे उन जेको आहे सो पावर जे हेठि वारी सतह ते हुकूमत ते वञी अप्रोच करे पंहिंजे जेको आहे कुझु न कुझु त दादरसी हासिलु करे सघे हा पर अनफॉर्चुनेटली इहो थिए कोन थो जंहिंजे करे जेको आहे सो अवाम पिसिजे थो ऐं इहो जीअं अवां ॻाल्हि कई त जेको फेलड वारी सूरत हाल हुई उन में का बि गवर्नमेंट हेठी लेवल ते कमु करण लाइ तयारी कोन्हे जंहिंजे करे काफ़ी जायुनि ते इहा शइ रिपोर्ट ई कान थी सघी त उते कहिड़ा मसला मसला आहिनि बिल्कुलु ईअं नज़र आयो ऐं साॻी सूरत हिन वक़्तु बि आहे ऐं तमामु अहम इन जे करे बि इहे जेके चूंडूं हुजनि थियूं ऐं कहिड़े रीति अवाम हुनखे वठे थो उनजो अंदाज़ो असीं टर्नआउट मां बि लॻायूं था ऐं ज़ाहिर आहे उनखे तमामु घणो सीरियस वठण जी ज़रूरत रहे थी हमेशह हुकूमतुनि खे बि ऐं ख़ुदि अवाम खे बि नाज़रीन रिज़ल्ट अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे असीं उनखे बि कंटिन्यू कंदासीं ऐं मूंसां गॾु हींअर हाला खां अल्ताफ मेमण आहिनि KTN न्यूज़ असीनियर रिपोर्टर आहिनि हाला खां उहे मौजूदु आहिनि उन्हनि खां वधीक तफ़सील उतां जी सूरत हाल मालूम कयूं था अल्ताफ अॼु समूरो ॾींहुं जेका सूरत हाल रही आहे ऐं हाणे ॻणप वारो अमल हलंदड़ आहे नतीजा अचनि पिया कहिड़ा अपडेट्स आहिनि मूं वटि जी बिल्कुलु जेको आहे सो मकानी चूंड जे ॿिए मरहले में नाजिया मटेरी ज़िले जी जेके 30 यूनियन काउंसिल आहिनि 6 टाउन कमेटी आहिनि 1 म्यूनिसिपल कमेटी आहे उनजे टोटल 287 सीटुनि ते जेके आहिनि 787 उमेदवार मैदान में लिखियल हुआ 43 उमेदवार जेके अॻिमी बिना मुक़ाबले कामयाबु थी विया सुबुह जो मामूल मौजूदु जेको आहे सो 9 पोलिंग जो अमल शुरू थियो जेको बिना वक़्फ़े सां शाम जो 5 ताईं जारी रहियो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छिकताण वारी सूरताल बि रही जहिड़ा बि थिया झड़पूं बि थियूं भिक्षा में इंतिहाई कशीदगी वारी सूरताल रही न्यू शहीदाबाद में जहिड़ो थियो जिते माण्हू ज़ख़्मी थिया छिकताण वारी सूरताल बि हलंदी रही मुख़्तलिफ़ हंधनि ते वक़्फ़े सां पोलिंगनि जो अमल बि बंदि रहियो जेको ॿीहर बहाल कयो वियो हिन वक़्तु गणप जो सिलसिलो जारी आहे हालां शहर जेको 16 वार्डनि ते मुश्तमिल आहे उनजो हिकु वार्ड जेको आहे वार्ड नंबर 16 हो बिना मुक़ाबले कामयाबु थियल हो जॾहिं त 15 वार्डनि ते जेको आहे सो हिन वक़्तु रिज़ल्ट अचण जो सिलसिलो जेको आहे सो जारी आहे जंहिंमें हुकूमती धुर जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे उनखे वाज़ सरसी नज़र अचे थी टाउन कमेटी हाला पुराणा में बि जेको आहे सो ॿ जेके सीटूं आहिनि उहे हिन वक़्तु ताईं जेको आहे सो मुखालिफ़ धुर खे हासिलु थी सघी आहिनि बाक़ी हिते पीपल्स पार्टी खे सरसी आहे समूरी मजबूई सूरत हाल ते जेके नज़र विझूं त ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे त जेका हुकूमती धुर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे हासिल आहे मुखालिफ़ धुर पारां जेको दादलनि जा इल्ज़ाम बि लॻाया वञनि था मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामबाज़ियुनि जो सिलसिलो बि हिन वक़्तु शुरू थी आहे भिक्षा में बि चयो वञे पियो त जेको आहे सो पोलिंगूं बंदि करे उते जेको आहे सो गैर का थप आया विया जेको मुखालिफ़ पैनल आहे उनजा उहे इल्ज़ाम आहिनि मटियारी हाला में बि हिन क़िस्म जी छिकताण वारी सूरत हाल रही पर ओवरऑल किथे बि को वॾो को हादसान वाकियो या अहिड़ो को पेश न आयो पुरसकून माहौल में पोलिंग जो अमल जेको आहे उहो ख़तमु थियो हिन वक़्तु गणप जो सिलसिलो जारी आहे मजमूई तौर ते नाज़रीन खे ॿुधायूं त जेको हुकूमती धुर आहे उनखे वाज़े जेका आहे उहा सरसी बि नज़र अची रही आहे जी नाज़रीन वरी महिरबानी मुंहिंजी अल्ताफ अपडेट करण लाइ नाज़रीन अल्ताफ असांखे सूरत हाल ॿुधाई हाला ऐं भर पासे वारे इलाइक़नि जी जिते बि अॼु समूरो ॾींहुं वोटिंग वारो जेको अमल आहे उहो जारी रहियो मुक़रर वक़्त ते पूरो थियण खां पोइ हाणे गणप शुरू थी आहे ऐं नतीजा अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे जेके नतीजा साम्हूं अचनि पिया असीं वहां ताईं पहुचायूं पिया हिन वक़्त ताईं नाज़रीन
हैदराबाद डिवीजन्स जे मुख्तलिफ़ हंधनि जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा नतीजा असां ताईं पहुचणु शुरू थी विया आहिनि। कराची डिवीजन जा बि नतीजा साम्हूं अचनि पिया ऐं जेके नतीजा आहिनि उहे असीं अव्हां ताईं पहुचायूं पिया। हर पार्टी जेका पंहिंजे पंहिंजे पार्टी जे नतीजनि खे वठी करे तमामु घणी पुरमीद नज़र अचे पई, जिन हिन भेरे कंटेस्ट कयो आहे उन वाले सां असांजी जेके नतीजा आहिनि उहे बि अव्हांखे ॾियूं पिया ऐं अपडेट्स बि अव्हां ताईं पहुचाइण जो सिलसिलो जारी आहे। डिस्कशन बि असांजी हलंदड़ आहे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां जेका समूरो ॾींहुं सूरत हल आहे मजमूई सूरत हल ॿुधाए पंहिंजे तमामु मुंहिंजे वाले सां बहितर सूरत हल रही आहे। टर्न आउट ॿुधायो पंहिंजे त हल तमामु घणो घटि टर्न आउट नज़र अचे पियो ऐं मुख़्तलिफ़ फैक्टर्स बि ॼाणाए पिया वञनि ऐं उनखां सवाइ अव्हांखे इहा सुध आहे त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पारां कालोके ॾींहं ते तकबंदियुनि जो जवाज़ु ॼाणाए करे इलेक्शन जो बायकॉट कयो वियो आहे। वई सभु कीअं पिया ॾिसो, हाणे नतीजा अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे, शुरू थिया आहिनि। हिन वक़्त ताईं हैदराबाद डिवीजन जा काफ़ी नतीजा साम्हूं अचनि पिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नज़र अचे पई। ॾिसो माउद नाजिया, सुबुह जो बि इहा ई ॻाल्हि कई त पीपल्स पार्टी जेको आहे ठटे में जो 50% अनपोस सॼो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अनपोस 50% सीटूं पीपल्स पार्टी खयूं गुज़िरियल राति ई। हुनजो ऐलान थी वियो जेके 16 ज़िला आहिनि हैदराबाद डिवीज़न में अक्सरियत जेकी आहे MQM जे बाइकाट खां पोइ इहे बतौर जेको सियासी तजिया निगार या सियासी जेकी रिपोर्टिंग कई आहे उन मां हैदराबाद में बि अक्सरियत जमायत पीपल्स पार्टी हूंदी। कराची में जेकी सूरत हाल आहे उन में जमायत इस्लामी जो वॾो रोल हूंदो, केर बि जेका अक्सरियत हिते कोन 126 सीटूं जेके आहिनि उहो केर बि कोन खणी सघंदो हिकु जमायत, छो त वॾो टफ क़िस्म जो मुक़ाबिलो आहे। बिल्कुलु टिनी जेकी पीपल्स पार्टी PTI जमायत इस्लामी TLP बि जेको आहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जिते हुनजो आहे होल्ड आहे उते सुठा वोट खणनि पिया। हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ 7 मां दादू मां रिज़ल्ट जेके आया आहिनि उन में बि पीपल्स पार्टी जा टंडो मोहन खान टंडो अलैयार खां जेके रिपोर्ट्स मिलियूं आहिनि त उन में बि उनजा उमेदवार जेके आहिनि खटनि पिया। पर हिन वक़्तु जेकी मेन जिते मुक़ाबला थींदा उन में दादू जो जेको आहे उते बि PTI तमामु घणी वर्किंग कई आहे। बदीन में जेको मिर्ज़ा ग्रुप आहे कोटड़ी जामशोरो जा जेके इलाइक़ा आहिनि SUP जो उते सुठो वोट बैंक आहे त उते पीपल्स पार्टी सां मुक़ाबिलो थींदो। JDA जा जेके कुझु माना जेके उते बि सुठी वर्किंग थियल आहे। मेन हाणे जेको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आहे कराची ते जेकॾहिं ॻाल्हायूं उते जमायत इस्लामी PTI जो मुक़ाबिलो आहे टफ क़िस्म जो, पीपल्स पार्टी जा उते एतिरा वोट कोन आहिनि। ईस्ट में जेको सुठा उते वर्क कम बि थियल आहिनि हिन वक़्तु जेकी कैंडिडेट जेके आहिनि उहे मज़बूत आहिनि पीपल्स पार्टी जा। मलीर सिटी में जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी PTI ऐं जमायत इस्लामी में उते मुक़ाबिलो थींदो। लांडी में जेको इलाइक़ो आहे रिज़ल्ट बि आया आहिनि उते जमायत इस्लामी जेको आहे नंबर 1 ते आहे, ॿिए नंबर ते TLP आहे, टे नंबर ते पीपल्स पार्टी वोट कया आहिनि। त हिन वक़्तु जेके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट आहे उते बि PTI खे जेको फ़ाइदो थींदो, छो त उतां सीट त MQM वारनि ई खटी जेकी नंढी चूंड थी। उते जेको आवाम आहे उतां जो वोटर आहे उनजो लाड़ो MQM तरफ़ आहे, इलाइक़ो MQM जो आहे उते सीटूं सदाईं MQM खटियूं आहिनि। त हिन वक़्तु जेको आहे उनजो MQM जे बाइकाट खां पोइ पीपल्स पार्टी खे डायरेक्ट उते फ़ाइदो कोन थींदो। PTI जमायत इस्लामी ऐं TLP खे उते जेके मेन स्टेक होल्डर तौरु जेको आहे उहो साम्हूं ईंदा, उनजा नुमाईंदा ईंदा। ऐं जेकॾहिं वेस्ट में ॻाल्हाइजे त वेस्ट में बि मिक्स क़िस्म जो जेके रिज़ल्ट ईंदा उन में नून लीग खे बि जेके उमेदवार साम्हूं ईंदा। पीपल्स पार्टी बि हाणे जेको MNA सीट उतां खटी आहे फस्ट टाइम वेस्ट मां। क्यामाड़ी ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त क्यामाड़ी में त उते कादर पटेल ऐं हिन खां अॻु PTI जो बि उते सुठो वोट आहे। 2018 में जेके 2018 खां अॻे जेके इलेक्शन थिया त उन में बि जेको आहे PTI जे तरफ़ां जेको उमेदवार साम्हूं आयो हुओ कादर पटेल खे उते शिकस्त आई हुई। त इहो हाणे मिक्स क़िस्म जी जेकी मैंडेट साम्हूं ईंदो लोकल बॉडीज़ में ऐं जेके नंढी लेवल ते जेकी मकानी चूंडू आहिनि जेके वार्ड सतह ते सभु क़िस्म जो मुक़ाबिलो आहे। घरनि में जहिड़ा हूंदा आहिनि त घरनि में त PTI नौजवाननि जो जेको लाड़ो आहे त उहो कंहिं ॿी जमायत ॾे हूंदा, बुज़ुर्गनि जो पीपल्स पार्टी तरफ़ लाड़ो हूंदो, औरतुनि जो जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके मिक्स क़िस्म जो रिज़ल्ट ईंदो। ऐं इहो चई नथो सघिजे त कराची में का हिकिड़ी जमायत जेको आहे अक्सरियत सां ईंदी ऐं मेयर पंहिंजो चूंडराईंदी, इन लाइ कंहिं न कंहिं सां इताद करिणो पवंदो। ऐं जमायत इस्लामी बि हिन ते जेको आहे एग्री कयो, हुन सां ॻाल्हायोसीं त मिक्स क़िस्म जो रिज़ल्ट साम्हूं ईंदो। मिक्स क़िस्म जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड आहे। अब्दुल्ला सोलंगी कराची मां नाज़रीन KT न्यूज़ रिपोर्टर सां गॾु मौजूदु आहिनि। अब्दुल्ला वटि शायदि कुझु नतीजा बि आहिनि, कुझु अपडेट्स बि आहिनि सूरत हाल जे हवाले सां। जी अब्दुल्ला,
जी बिल्कुल नाजिया, सेंट्रल जिले के नॉर्थ नाजमाबाद टाउन जो सी अठ वार्ड चार पीएस 101 जो मुकम्मल गैर में जो गैर सरकारी नतीजो है वो हासिल कर वरतो है। जैसे तो जमात इस्लामी जो इतने उम्मीदवार बीठल हो अमीर आ कराची जो चेयरमैनशिप से हाफिज नईम रहमान वो 219 वोट खड़ी जो सब का अगते रो है कामयाब रो है। उन तारीक इंसाफ के उम्मीदवार अबू बकर हो उनके सामू बीठल और वो अबू बकर सिद्दीकी 53 वोट खड़ी बे नंबर से आया। जैसे जनरल काउंसिल की सागे यूसी से जी सीट हुई जमात इस्लामी वह कामयाब थी वो है 229 वोट खाया। जैसे उनके बे नंबर पीपुल्स पार्टी जो उम्मीदवार बीठल हो 16 वोट खड़ी जो बे नंबर से पहुंची है। टोटल जो इन वादे क्या तो वोट हुआ इनते यूसी 8 से वार्ड नंबर 4 के पीएस समेत 1398 वोट हुआ जो वोट कास्ट थे 275 मतलब टोटल जो टर्नआउट इन हिसाब से लगे थी तो 20% जो टर्नआउट रो 1398 में 275 वोट पे टोटली जो 219 जो चेयरमैन हाफिज नईम रहमान वो कामयाब थी है। अड़ी तरह मुख्तलिफ जे रिजल्ट अस मौजूद मिलन पाया खास तौर से सेंट्रल जिले की जी गाल कई तो उत भी मुख्तलिफ जे जमातूँ खास तौर से जमात इस्लामी जो है वो तमाम रेशो वधी पे वे अगते पे वन पीएस 118 यूसी 1 वार्ड 2 पोलिंग स्टेशन अलरजा सा जो टीएलपी कामयाब थी वो है। अलरजा का नालो है टीएलपी भी तरीक लबिक पाकिस्तान जो उनका गुड अड़ी तरह जो मलिर की गाल यूसी चौकंडी पीपी जो चेयरमैन रशीद पवन है वाइस चेयरमैन मंजूर आलपानी कामयाब थी वह ही गैर सरकारी गैर हतमी जी नतीजा है खास तौर से चौकुंडी वाले वार्ड नंबर 2 पोलिंग स्टेशन रजाकबाद मर्द जो बूथ हो उन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाले उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 235 उम्मीदवार कामयाब थी है। 235 वोट खड़ी अड़ी तरह 140 वोट खड़ी तारीख लबिक पाकिस्तान जो बे नंबर से आया जिनमें काउंसलर में भी पीपल्स पार्टी अच्छे रही है 183 वोट क्या 95 तारीख लबिक पाकिस्तान क्या इतने मुख्तलिफ जे वक्तन पे ये दिखो वो है तो जी कराची अंदर टीएलपी के जे मुख्तलिफ हुआ तो उनकी कंप्लेन एडी नजर न ईंदी है पर जैसे इलेक्शन थी या चूंडू थी तो उतने उनके मानू तमाम नजर इंदा खास तौर से हिंसर भी जी सेंट्रल जिले में टीएलपी की सरगर्मी ठी से तमाम घड़ा हुआ। अड़ी तरह कोरंगी जिले में जो वो रिजल्ट अच्छे वो मुझे सामू कोरंगी जिले के यूसी 7 वार्ड जमात इस्लामी जो खुर्शीद 77 वोट खड़ी कामयाब थी वो है। हर पोलिंग स्टेशन से तकरीबन जे 1000 का 800 वोट हजन था पाया पर उत काउंट सिर्फ थे जे कास्ट थे उनमें तमाम घट रेशो है। जैसे तक जी मैं बुधा तो हाफिज नई जो है जमात इस्लाम जो अमीर उनके जे बीठल चेयरमैनशिप से एतरा वोट पाया अड़ी तरह जी हाँ वोट मिलन पे रिजल्ट मिलन पे उनमें रेशो जो वे पे तो वो टर्नआउट तमाम घट है। उन मुख्तलिफ जे कराची के इलाकन में रिजल्ट मिलन था पाया गैर सरकारी है नागर इनके ये भी बुधा तो गैर सरकारी गैर हतमी जे रिजल्ट है वे इन वक्त जो जारी थन पे खास तौर से कराची के कोरंगी साउथ जो इलेक्शन पो साउथ के अलावा कैमारी वाले इलाकन उतर भी जे वोट जो तादाद है वो गणप वो जो फाइनल करने जो रिजल्ट है वे शक्ल हतमी शक्ल में अचन था पाया वक्त जो कराची के ही रिजल्ट मिले हैं जे फाइनल थे मुख्तलिफ ही 103 वोट खड़ी पीटीआई जो सैयद संतोष तमीम नकवी जो कामयाब थी है जी बुधा तो ये ओभर जिले के जो है यूसी नंबर 2 वार्ड नंबर 2 कामयाब थी वो है। फिरदोस शमीम नकी पीटीआई जो 103 वोट क्या अड़ी तरह मुख्तलिफ जे पोलिंग स्टेशन जहाँ हतमी है फाइनल जो रिजल्ट है वो अचन था पाया पर उनमें वार्ड जो वार्ड में वार्ड बाय वार्ड अचन था पाया उनमें गड कर फाइनल गैर हतमी नो थी सके पर जे वार्ड में मौजूद एजेंट हैं वो गणप करने का फाइनल हतमी रिपोर्ट है वह कदा उन सरकारी 45 फॉर्म है वो बाद में जारी किया वो इन वक्त जो फॉर्म 11 जो जारी किया वार्ड में तो जारी किया वो है ये लोकल गवर्नमेंट जो फॉर्म 11 जो रफ एक रिजल्ट चीज सके तो हर वार्ड का उनके जारी किया वो है। पीपुल्स पार्टी के 156 वोट खड़ी कामयाब उम्मीदवार अची वो जिनका रिजल्ट अड़ा अचन था 7 उम्मीदवार बिना मुकाबले अच्छा यो भी क्या कराची के कुछ अड़ा इलाका जिसे
बिना मुकाबले जेके आहे उम्मीदवार कामयाब थी विया आहिनि। असां अगरि कराची में ख़ासि तौर ते PKI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ऐं उन सां गॾु TLP जेको बराबरि रही आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन जा वोट अॻिते ऐं पहुचे रहिया आहिनि, उन्हनि खे कामयाब उम्मीदवार रहिया आहिनि ऐं सेंट्रल ज़िले में जेके रिज़ल्ट अचनि था पिया उनमें पाकिस्तान। ठीकु अब्दुल्ला, मां सां अपडेट्स लाइ असीं राब्तो जारी रखंदासीं। वरी महिरबानी, तफ़सीली नाज़रीन अब्दुल्ला सोलंगी असांखे ॿुधायो त जिते जिते जेका सूरत आल रिज़ल्ट जे हवाले सां फिरदोश शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान जंहिं अॼु 103 वोट खणी कामयाब थियो आहे, जमायत इस्लामी जो अमीर हाफिज़ नईम साहिब जे हवाले सां बि ॿुधायो अब्दुल्ला सोलंगी त उन 219 वोट खयां आहिनि, जेका मजमूई सूरत आल साम्हूं अचे पई। ज़ाहिरा हर हंधा टर्न आउट जो ज़िक्र थिए पियो त जेको असीं ॾिसंदा आहियूं त वोटनि जो जेको तादादु रजिस्टर्ड वोटनि जो तादादु तमामु वधीक आहे, पर जॾहिं जेके वोट कास्टेड वोट्स आहिनि उन्हनि जो असीं तादादु ॾिसूं था उहो तमामु थोरो आहे। किथे जी अर्ज़ु इहो आहे त जेको हिते टर्न आउट घटि रहियो आहे उनजो मूंखे थोरो हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि अचे थो त हिते पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, जेकॾहिं तव्हां मकानी निज़ाम जे लाइ इलेक्शन में अचो था त तव्हां मकानी निज़ाम जे लाइ ऐं आवाम जे लाइ बलदियाती इदारे में रही करे छा एजेंडा ऐं छा तव्हांजी जेको आहे सो तयारी हुई त बाबा आवाम जे लाइ असां छा छा सोचियो आहे, मंशूर छा हो, मंशूर कंहिं बि पार्टी हिन बलदियाती इलेक्शन में कोन ॾिनो आहे, जंहिंजे करे आवाम जो जेको आहे सो इहो शायदि अहसासु थी सघे थो त बाबा जॾहिं हीअ सियासतदान असांजे लाइ को मंशूर कोन था खणी अचनि, को जेको आहे सो इन तरह जे लाइ सोचनि कोन था, त उहे हिकु उन जे करे सिलो थिया आहिनि। ॿी त इहा सियासी जेकी इमेच्योरिटी सां गॾु जेकी हिननि जो ॿियो इहो हुयो त ग्राउंड ते कमु कंहिं कोन कयो, ग्राउंड ते सभु हवाल करणु, सभिनी जेको आहे सो दावाऊं कयूं आहिनि ऐं सभिनी जेको आहे सो उमेदूं ॾेखारियूं। सो आवाम इहो बि सोचे थो त हाणे करणो त हुननि खे उहो ई आहे जेको कंदा, इन जे करे असीं छो निकिरूं। बाक़ी इहा आहे त आवाम जो जेको इहो न निकिरणु आहे उहो मौसमी असरात जे करे इहो सेकेंडरी पोज़ीशन थो रखे। असां सां ज़मीर साहिबु सजावल सजावल मां सैफुल्ला जुण जो साहिबु आहिनि, सजावल मां KT न्यूज़ सीनियर रिपोर्टर आहिनि। सैफुल्ला जुण जो छा सूरत यार रही अॼु सजावल में समूरो ॾींहुं ऐं हिन वक़्तु नतीजनि जे हवाले सां कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? नादिया, हीअ सुजावल ज़िले जे अंदरि में टोटल 8 लख जी आबादी आहे, जंहिंमें ज़िले कौंसिल जी टोटल 37 सीटूं आहिनि, जंहिंमें 28 ते पीपल्स पार्टी बिना मुक़ाबले अची वई हुई, बाक़ी 9 ते मुक़ाबिलो सैफुल्ला जुण साहिबु वॾी महिरबानी तव्हां असांखे अपडेट कयो समूरी सूरत हाल खां। नज़र हाणे शेरियार मेमुण आहिनि, KT न्यूज़ टंडो लयार जा रिपोर्टर आहिनि। शेरियार, छा सूरत हाल आहे, अपडेट्स छा आहिनि नतीजनि जे हवाले सां? जी नाज़िया, बिल्कुलु नतीजनि जे हवाले सां टंडो लयार में पीपल्स पार्टी जेका आहे अॻु में बि 10 ज़िले काउंसिल जी सीटुनि में जेको आहे बिना मुक़ाबले कामयाब थी चुकी आहे। नसरपुर टाउन कमेटी जे वञा टिनि वार्ड ते उतां जेके काउंसिलर बिना मुक़ाबले कामयाब थियल आहिनि, जॾहिं त संजर चांद टाउन कमेटी मुकमल तौर ते पीपल्स पार्टी सोच कयल आहे। हीअं जेके रिज़ल्ट असांखे मिली रहियूं आहिनि उन हिसाब सां जेको आहे पीपल्स पार्टी जो 22 नंबर वार्ड आहे म्युनिसिपल कमेटी जो, उनजो पीपल्स पार्टी उमेदवार जुमा गुंड उन 570 वोट थियो खणी उतां उहो कामयाबु थी विया। जॾहिं उनखां अलावा ॿुधायां त जेका असांखे नतीजा मिलिया आहिनि MC जो जेको वार्ड नंबर 20 आहे उन तां बि जेको आहे PP जो रमज़ान मेयो जेको आहे उहो 454 वोट खणी कामयाबु थी विया। SPP जे अफ़सर जिस्कानी जेकर उतां 397 वोट खणी सघियो। उनखां अलावा मुस्तफ़ा म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 21 तां पीपल्स पार्टी जो उमेदवार हो गुलाम मुस्तफ़ा हले पोटो, उन 515 वोट खणी उतां कामयाबी हासिलु कई आहे। मुखालिफ़ उमेदवार जेको आहे दीम मन खोखर उन 63 वोट खणी सघियो आहे। जॾहिं उनखां अलावा नतीजनि अचण खां पोइ जिन इलाइक़नि में जेको उमेदवारनि जी पोज़ीशन कमज़ोर आहे उते फायरिंग जा इतला मिली रहिया आहिनि। जॾहिं त हींअर PTI पारां एजारी मुज़ारत कयो वञे इहे इतला मिली रहिया आहिनि त PTI सिंध जो एडिशनल सेक्रेटरी जेको अली पल आहे उनजी गाॾी ते जेको आहे मैडम सियार पाल वार्ड नंबर 12 ते जेको आहे उतां जो आज़ादु उमेदवार जेको आहे उहो कामयाबु थियो आहे। आज़ादु उमेदवार कामयाब थियण खां पोइ अली पल ॿिया हिमायती जेको आहिनि उहे ख़बर पई आहे त उते पहुता त PTI पारां इल्ज़ाम खणाया वञनि अली पल जेको आहे उनजी गाॾी ते जेको आहे नामालूम माण्हुनि पारां जेको आहे फायरिंग कई वई आहे। जॾहिं त फायरिंग जो सिलसिलो जेको आहे रिज़ल्ट अचण खां पोइ टनलार एक्सल इलाइक़नि में शुरू थी वियो आहे। जॾहिं छिकताण वारी सूरत जेका हुई पहिरीं टनलार शहर में जेको अमुन वारी सूरत म्युनिसिपल कमेटी में
अमन से पोलिंग में सिलसिलो जारी रो हाँ जो है पायरिंग में मुख्तलिफ इलाक में इतला मिली रहा है जिन बुकेरा वाले पास बजा छिपताल वाली सोचाल जो बरकरार है जैसे रिजल्ट अच्छे जो नतीजो नतीजो जो अच्छी रहा है सिलसिलो जारी है ठीक शेरार वरी मेहरबानी वहां जी जेके कुछ नतीजा सामान पीपल्स पार्टी सुभारी नजर अच्छे पई आए गरु गर शेरार से अपडेट कियो तो जगह जिते जिते छिकताण वाली सूरत हाल अज रही है टंडोला यार में उते पण वो सूरत हाल है इल्जाम भी लगाया पवन मुख्तलिफ पार्टियों पारा वही सब किए पा दसो ही जो इल्जाम शिकायतन वो सिलसिलो है इो किथे दंग थिंदे दिसो वया दिसो अन्या रिजल्ट जी मैच्योर थिना विंदा अन्या इल्ज़ाम अधिक लगंदा एतजाज की काल भी दई सकन ता जेके मुख्तलिफ पार्टियों आइन इन का सख्त हाने तो फिलहाल मीडिया में धरना भी लगी सकन ता तमाम घनी सिचुएशन जो इन वक्त जी इल्ज़ाम की प्रेस कॉन्फ्रेंसू भी थन्दू सूरत हाल अना शुरुआती रिजल्ट आन शुरुआती जेके कराची में मेन जो शिकताण थी वह कराची हैदराबाद के रिजल्ट थी उत ही मामला जो हाँ हाफिज नईम रहमान जो जमायत इस्लामी जो समझो तो मुमकिन है मेयर जो कैंडिडेट है वो भी नाजमाबाद में उन वोट खड़ी अगत है अना डिक्लेयर ऑफिशियली तो न थो तो कामयाब है फिरदोस शमीम नकवी जो रिजल्ट आया वो भी रिजल्ट खड़ी अगत है बेन जो मुख्तलिफ पार्टीज आन उन मुकाबले में कैंडिडेट हुआ जमायत इस्लामी भी जो लांडी में मुख्तलिफ बैंस कॉलोनी में उत पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट अगत है सभी का वोट क्या मलीर में दरसाण छनो में जो रिजल्ट आया तो फिलहाल अना शुरुआती रिजल्ट आन ये रात यारह बारह वगे तीन रिजल्ट मैच्योर थी उन पॉलिटिकल पार्टीज रदमल भी मुख्तलिफ पीटीआई में रिजल्ट दई सके रदमल दई सके जमायत इस्लामी ज़ाहिर अग में ही इल्ज़ाम लगन पा तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आया हाँ एम पी ए भी जो राबिस्तान खान है उनके गिरफ्तार किया गुलशन मेमार में तो उन रदमल उन भी आयो तो पुलिस पार्टी थी वही है उनमें मुख्तलिफ अनते रदमल हाँ अची सके तो सही है मुतहदा अग ही रदमल दिखारे भी चुकी है जाना पी तो अज आराम जो ढी है सुबह का अं वरी अवं एक्टिव नजर इंदी उन हवाले से दसो अज त मतलब तुम दिखो तो जी मामला हुआ तो रिजल्ट भी टर्न आउट जो है वो घट उन मुख्तलिफ जी अफवाह भी हुआ तो एम क्यू एम जो है पाँ कारकुन के घेराव किया वे पर अड़े किस्म की का भी गाल को मुख्तलिफ जी बया अलर्ट भी जारी थे अलहमदुल्ला इन वक्त तीन सुठे नमूने इंतजामिया ढो जबरदस्त चीफ मिनिस्टर संजो भी इन हवाले से बयान आयो उन भी समूर इन वक्त तीन जो जमायत इस्लामी भी सुठो रदमल दिनो तो पुरमन तरीके से सामू रिजल्ट आया पर जाहिर है जो टर्न आउट जो घट रो उन मेन रीज़न तो यो उनके पॉलिटिकल जो पार्टी जो उम्मीदवार उनके कंपेन जो सही तरीके से टाइम को मिलो बो एक यो खौफ भी हो तो शारा फैसल बंद थो मू इन खौफ में भी निकता मंझन तई जी टीवी चैनल से दिखो सिचुएशन नॉर्मल है तो घणा किस्म अफवाह हुआ उनके वोटरन के डबल माइंडेड थी वनजे न वनजे हालात कि होंदा मुख्तलिफ़ किस्म के टर्न आउट घट रो पर ओवरऑल बेहतर रो लोकल बॉडीज इलेक्शन में हूँ जनरल इलेक्शन का तो हों छो तो हर नंडे वार्ड सतह से एक गर्मा गर्मी होंगी वही वर्किंग जो वर्क थी पूरी पर ओड़े किस्म जो कराची में जो रिजल्ट अस शहर में रोडन से जो घिटन में अड़े किस्म की जोशो खरोश को वो तो उन मेन रीज़न यो तो कंपेन जो उनके उम्मीदवार के टाइम को मिली सको बया मुख्तलिफ़ किस्म ज अफवाह हुआ अलर्ट जन राना सनाउल जो घरू वजीर है वफाकी उन तरफा स्टेटमेंट आयो तो दहशतगर्दी जो अलर्ट जारी थल सिंधु हुकूमत के तरफा अड़े किस्म जहाँ स्टेटमेंट आया एम क्यू एम के तरफा शारा फैसल ब्लॉक करण जो ऐलान किया वो उन वरी मंझन तई ये अफवाह हलिया तो एम क्यू एम जो आने कारकुनन के पोलिंग जो स्टेशन्स आए उनको घेराव किया तो इन डबल माइंडेड खौफ ए हिरास जो शिकार हुआ वोटर्स जैसे कर टर्न आउट इन वक्त तीन वो बेहतर न रो ठीक जमीर साहब कुछ एड करना चाहिए हाँ अर्ज यो है त इलेक्शन तो थी वही सियासी पार्टियों जेके भी आहन जिनको जितनी कारकर्दगी रही होंगी वह थोड़ी देर में वाजे थी उन इशू कड़ो हों जैसे वो रिएक्शन दींदा आया जैसे कारकर्दगी जो मुजाहरो कयो हुजे हाँ तो वह ही एक्सपेक्टेशन होंगी बाकी उन रिएक्शन की गाल मुख्य समझ में अचे कान थी तो उन रिएक्शन जो ऑप्शन छा हों जेतरे कदर दिसजे तो ये रिजल्ट थी वा मिक्स
कें भी पार्टी की जैसे धांधली वो सवाल तो कें भी पार्टी की हिंसर तीन ये अड़ी मौकफ को पो अचे जैमें तो का पार्टी लीड थी पी करे या कें किस्म जो जी इलेक्शन कमीशन की जी भी कारकर्दगी रही है वह भी अड़ी कंट्रोवर्शल न रही है। सिंध गवर्नमेंट जो अमन अमान की सूरत हाल है उनके भी माशाला सुठे तरीके से टेकल किया। बाकी रो यो तो सियासी तौर पर हर को पाँच ढोल वजाई छो जो उन्होंने सियासी बका भी रखनी है। बाकी अमली तौर पर जैसे कोई अड़ो कम कन हाँ तो यो ड्यूरिंग इलेक्शन कन हाँ वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट अची वही इमरान खान वाले केस में तो बाबा सुप्रीम कोर्ट वो होल्ड कर तो हिंसर इलेक्शन कमीशन के भी कंटेम जहाँ पावर अथव जो भी अड़ी पार्टी या को भी फर्द इलेक्शन के प्रोसेस में या विद इन ड्यू कोर्स ऑफ इलेक्शन का भी किस्म की गड़बड़ कह तो उनको कंटेम जो भी फेस करो पव इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के गैर मामूली पावर भी अची वा उनके हिसाब से हिमल तक अड़ी सूरत हाल ठही कान् जैसे को रिएक्शन अची सके। बाकी हाँ सियासतदान सियासी पार्टियों वो पाँ बका के लिए नांग में नोड़ी ठाइन नोड़ी में नांग ठाइन उनकी मर्जी है वो सिलसिलो मांखे लगे पे तो जारी रहंदो भाई साहब बुनियादी जो को मकसद हुजे तो ज़ाहिरा मानू के एम्पावर करणो आ जो ही ग्रासरूट लेवल ते अवामी इशूज हुजन मामरा हुजन उन्हनि खे असांखे इन जो जो बुनियादी मकसद इहो हुजे थो त उहो केतिरे हद ताईं थी सघंदो या उहो जेको ख़्वाबु आहे उहो ख़्वाबु ई रहिजी वेंदो उहो टारगेट अची न थी सघंदो। नाज़े इन ते असीं ज़रूरु गुफ़्तगू कंदासीं पर हींअर ॿुधायो पियो वञे मूंखे त नतीजा बि अचनि पिया ऐं टाइम थोरो घटि आहे हेडलाइंस ब्रेक असांखे वठिणो आहे। हेडलाइंस ब्रेक खां पोइ नाज़रीन जेका ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आहे मकानी चूंडनि जे हवाले सां उनजो सिलसिलो जारी रखंदासीं जेके नतीजा साम्हूं अचनि पिया उन हवाले सां बि तव्हांखे अपडेट करण जो सिलसिलो जारी रखंदव। हिन जेको हीउ सेगमेंट आहे इन मां अव्हां खां मोकिलाणी वठंदासीं केॾा न वञिजो हिकु मुख़्तसिर ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ वरी वापसि अचूं था।